सर यस प्रवीण। सर मेरा ये डाउट है कि जो 85% वेटेज है गेट मार्क्स का, वो डायरेक्ट हमारे जो स्कोर कार्ड से है उससे 85% रहेगा, या मतलब कुछ जो भी ऐसा है कि आपके आउट टॉपर ऑफ 100 चाहिए? मार्क्स आए हैं ना, तो उन मार्क्स का ही डायरेक्ट 85% वेटेज वहाँ पे रहने वाला है। तो जितनी भी एप्लीकेशन इंडियन ऑयल के पास ओके सर, पहुँचेगी है ना, उसके अकॉर्डिंगली आपके जो भी मार्क्स आए होंगे उन मार्क्स का 85% वेटेज इंडियन ऑयल में रहने वाला है। बट फिर भी जो हमारे इंटरव्यू और जीडी डेन जीटी के मार्क्स है 15 मार्क्स, उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है। बिकॉज 85% के बाद भी आधे आधे नंबर पे कई बार जॉब रह जाती है, 0.25 मार्क्स से बच्चा रह जाता है। तो इंटरव्यू और जीडी जीटी को कहीं से भी कम नहीं आंकना है। तो अगर आपका उतना अच्छा रैंक नहीं भी है तो भी इंटरव्यू के अंदर अगर आपने कमाल कर दिया और 15 में से 12-13 मार्क्स अगर आप ले आते हो तो काफ़ी अच्छा रैंक आपका बन जाएगा उसमें। यस एवरीवन, कुछ बात करनी है या वैसे ही हम इस कॉल पर आए हैं? ओवरऑल किसी भी पीएसयू इंटरव्यू की बात करें, अगर इंडियन ऑयल इंटरव्यू की बात करें, तो आज से ही इंडियन ऑयल की वेबसाइट तुम देखना शुरू कर दो। देख लो इंडियन ऑयल की हिस्ट्री के बारे में, इंडियन ऑयल के बारे में पढ़ो, विज़न मिशन, इंडियन ऑयल की रिफाइनरीज कहाँ कहाँ पर है, ओवरऑल कैपेसिटी कितनी है, इंडियन ऑयल के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन में किस तरह से प्रोग्रेस चल रही है, एथेनॉल ब्लेंडिंग में किस तरह से काम चल रहा है। ठीक है, जो भी इंडियन ऑयल अभी कर रहा है वो सब देखो, क्लोजली वॉच करो डेली बेसिस पे, इंडियन ऑयल की क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या फाइनेंशियल रिपोर्ट रही है, कितना प्रॉफिट रहा है, कितना लॉस रहा है, क्वार्टर दर क्वार्टर कैसा परफॉर्म करता है, तो वो सब कुछ आपको इंडियन ऑयल के बारे में पता होना चाहिए। इंडियन ऑयल के प्रोडक्ट्स क्या क्या है, किस प्रोडक्ट्स का क्या ब्रांड नेम है, कैसे बेचते हैं, अगर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत सपोज 95 रुपीज़ है तो वो 95 कैसे बनती है, कितने उसमें चार्जेस लगे होते हैं, छोटे से छोटी चीज़ आपको इस समय पता होनी चाहिए। स्पेशली पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ाई जाती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्रैकिंग, रिफॉर्मिंग रिएक्शंस, ठीक है, ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर वगैरह जो भी प्रॉपर्टीज़ है, प्योरीफिकेशन कैसे होती है, तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बारे में जो ओवरव्यू हम बीटेक में पढ़ते हैं वो ओवरव्यू आपको इस समय डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि तो ये सब चीज़ें काम आएगी। कौन सी यूनिट से कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, बॉटम्स में क्या निकलता है, टॉप पे क्या निकलता है, सब चीज़ें बेसिकली पेट्रोलियम इंडस्ट्री का एक बहुत अच्छा ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडियन ऑयल के इंटरव्यूज़ में बार के इंटरव्यू की तरह कोई डेरिवेशन आपसे करवा के नहीं देखते हैं, 2 या 3 मेन सब्जेक्ट्स के बारे में ही वो जनरली क्वेश्चंस पूछते हैं। वो होते हैं मास ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र और फ्लूड मैकेनिक्स, और उसके अंदर भी मुश्किल से दो दो या तीन तीन क्वेश्चन ही पूछते हैं, बिकॉज इंडियन ऑयल में इंटरव्यू बहुत लंबा नहीं चलता है, 10 मिनट से लेके 20 मिनट्स तक का इंटरव्यू होता है। अब 10 से 20 मिनट के अंदर वो ज़्यादा नहीं पूछ सकते हैं, है ना, लिमिटेड ही चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, है ना। तो अपना मास ट्रांसफ़र में डिस्टिलेशन बहुत अच्छे से पढ़ना है, हीट ट्रांसफ़र में हीट एक्सचेंजर्स बहुत अच्छे से पढ़ना है, और फ्लूड मैकेनिक्स के अंदर पंप्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है। बिकॉज तो यही 3 चीज़ें बेसिक्स है जो पढ़ी जाती है, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि 2-3 क्वेश्चन डिस्टिलेशन से पूछे और हो गया, आगे वो पूछते ही नहीं है। इंटर्नशिप के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपने जहाँ भी जो भी इंटर्नशिप की थी वो अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। और जिन बच्चों ने इंटर्नशिप नहीं की है तो वो बता सकते हैं कि सर हमारी इंटर्नशिप इस तरह से हुई थी, ऑनलाइन हुई थी या कैसे हुई थी, आप जो भी है बता सकते हो। और अगर आपने इंटर्नशिप की है, ढंग से नहीं भी किया, तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो इंटर्नशिप के बारे में क्या क्या होता है। लाइक जिस भी इंडस्ट्री में आपने इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट आपके पास है उस इंडस्ट्री के बारे में अभी से अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो,
ताकि इंटरव्यू तक आते आते आपको उस इंडस्ट्री के बारे में ओवरऑल एक आइडिया लग जाए। एंड सिमिलरली आपका जो बीटेक प्रोजेक्ट है उसके बारे में ज़्यादा पूछा तो नहीं जाता, बट आपको रेडी ज़रूर रखना है, क्योंकि आपसे अगर पूछा गया और आप उसका टाइटल भी ढंग से नहीं बता पाए तो दैट विल बी ए नेगेटिव पॉइंट। तो आपको एटलीस्ट अपना जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू कि प्रोजेक्ट में क्या एम था, प्रोजेक्ट का क्या गोल था, प्रोजेक्ट के अंदर आपने क्या क्या किया है, कहाँ तक आपका प्रोजेक्ट पहुँचा है, क्या कंक्लूज़न और क्या रिजल्ट प्रोजेक्ट ने ड्राइव किए हैं, और इस प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन क्या रही है, और वो प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट हुआ है या फिर आगे कैरी फॉरवर्ड किया गया है किसी दूसरे स्टूडेंट के द्वारा। तो प्रोजेक्ट के बारे में आपको डिटेल में जो भी चीज़ें हैं वो पता हो तो प्रोजेक्ट के बारे में भी आज से पढ़ना शुरू कर दो। बिकॉज़ इंटरव्यू की प्रिपरेशन कोई वन डे प्रिपरेशन नहीं है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन एक टाइम टेकिंग प्रिपरेशन है, और स्पेशली कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन बातों पे जो आप बोलते हो। तो सपोज़ करो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर बीटेक प्रोजेक्ट, तो आप क्या बोलोगे वो बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है, उस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप मिरर के सामने बैठ के प्रैक्टिस करो, आपके दो तीन दोस्तों का ग्रुप है तो साथ में बैठ के ग्रुप प्रैक्टिस करो, या फिर आपका अगर दो तीन दोस्त इधर उधर रहते हैं तो ग्रुप कॉल लगा के प्रैक्टिस करो, या खाली बैठ के प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस करो बोलने की कि बोलोगे क्या। टेल मी अबाउट योर इंटर्नशिप, व्हाट यू डिड इन द इंटर्नशिप, क्या बोलने वाले हो। तो जो शुरू की 5-6 लाइन्स, 8 लाइन्स, 10 लाइन्स है तो वो आपको लिख कर रखनी है, उसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, बोल के देखना है, एक दूसरे से पूछो, एक दूसरे से बातें करो कि कहाँ इंटर्नशिप की थी, क्या किया था उसके अंदर, तो सामने वाला बताएगा उसकी सुनो, और सुनने के बाद तुम खुद सोचो कि एज एन इंटरव्यूअर अगर तुम इंटरव्यू होते तो तुम क्या पूछते। तो तुम पूछो सामने वाला आंसर करेगा, इस तरह तुम बताओगे तो सामने वाला पूछेगा। इन दिस वे आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि इन जेन्युइन क्वेश्चंस का, जो नॉर्मल क्वेश्चंस है जो कि जनरली पूछे जाते हैं, इनका क्या आंसर करना है। सो टेल मी अबाउट द इंटर्नशिप, टेल मी अबाउट द प्रोजेक्ट, ये सब चीज़ें जो है इन सब चीज़ों का क्या आंसर किया जाता है, तो इन सब चीज़ों के आंसर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से इंटर्नशिप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंटर्नशिप से बहुत सारे बच्चों से इंटर्नशिप के बारे में चीज़ें पूछी जाती है, तो इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट अपना बहुत अच्छे से करके जाना है। बाकी टेक्निकल का बहुत ज़्यादा कोई रोल नहीं है, मुश्किल से 5 या 10 मिनट ही टेक्निकल चलता है, और वो 2 से 3 क्वेश्चंस में ही पता लग जाता है कि किसका टेक्निकल कितना स्ट्रॉन्ग है। सो जैसे मैंने बताया, मास ट्रांसफर का डिस्टिलेशन, हीट ट्रांसफर का एक्सचेंजर, और फ्लूड मैकेनिक्स का पंप, एंड केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर पेट्रोलियम, ये अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो जो भी बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो वो आप आंसर कर पाओगे। जो भी आपने इंटर्नशिप की थी, अगर उस इंटर्नशिप में मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, फ्लूड मैकेनिक्स, इन सब से रिलेटेड कोई चीज़ आपने यूज़ करी है, लाइक डिस्टिलेशन कॉलम, एक्सट्रैक्शन कॉलम, एब्जॉर्प्शन कॉलम, हीट एक्सचेंजर्स, पंप्स, कंप्रेसर्स, फ्लो मीटर्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, मेजरिंग डिवाइस अगर आपने अपने इंटर्नशिप के दौरान यूज़ किया है, अपने प्रोजेक्ट के दौरान यूज़ किया है, तो उसके बारे में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ के जाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अपना इंट्रोडक्शन ज़रूर रेडी रखना, बिकॉज सबसे पहला सवाल जो आपसे अंदर जाने के बाद पूछा जाएगा वो यही होगा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो वहाँ पर अगर आपने कुछ प्रिपेयर नहीं किया होगा, ब्लैंक हो जाओगे, बस नाम बता के आ जाओगे, तो दैट विल बी ए नेगेटिव थिंग। तो आपको इंट्रोडक्शन की भी प्रिपरेशन करनी है, अगेन लिख के रखो कि क्या इंट्रोडक्शन देने वाले हो, फिर ग्रुप प्रैक्टिस करो इंट्रोडक्शन की, एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दो, मिरर के सामने बैठ के अपना इंट्रोडक्शन दो, उससे आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हमें करनी है इंट्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन अपना रेडी करके रखो, इंटर्नशिप हो गई, प्रोजेक्ट हो गई, 3 टेक्निकल सब्जेक्ट्स हो गए, एंड आउट टेक्निकल सब्जेक्ट में ऊपर ऊपर से, मतलब पूरा मास ट्रांसफर या पूरा हीट ट्रांसफर पढ़ने की आपको नीड नहीं है, बेसिक बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। कोई आपसे डेरिवेशन नहीं करवाने वाला, कोई आपसे फॉर्मूला नहीं पूछने वाला, कोई आपसे ग्राफ नहीं बनवाने वाला, सिंपल चीज़ें आपसे सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो जनरली हम गेट के लिए भी पढ़ते हैं, गेट के लिए भी डिस्कस करते हैं, वही सब चीज़ें रहने वाली है, कुछ अलग से नया हटके नहीं होने वाला। ठीक है, एंड डेफिनेटली इंडियन ऑयल की प्रोफाइलिंग, तो प्रोफाइलिंग आपसे पूछी जाएगी कि इंडियन ऑयल के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं, इंडियन ऑयल के प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं, रिफाइनरीज के बारे में पूछ सकते हैं,
ये जानने के लिए कि तुमने इतने दिन से इंडियन ऑयल के बारे में क्या पढ़ा है, तो वो रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन यस, कुछ एचआर क्वेश्चंस जैसे कि इंडियन ऑयल क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, इतना अच्छा रैंक है तो मास्टर्स में क्यों नहीं जाना चाहते, प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं जाना चाहोगे, कल को ONGC ने रिक्रूटमेंट निकाल दी तो ONGC तो नहीं चले जाओगे। तो कुछ चार पांच जो डायरेक्ट सवाल होते हैं एचआर से रिलेटेड, वही साफ साफ से पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यू इज़ वेरी इजी, 15 से 20 मिनट का ओवरऑल स्लॉट रहता है, और अगर आप आज से ही अच्छे से प्रैक्टिस करना शुरू करोगे सो इंटरव्यू विल बिकम केक वॉक फॉर यू। अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करो, हर एक सेक्शन की अलग अलग प्रैक्टिस आपको करनी है, और हर एक सेक्शन के अंदर आपको कंटेंट लिख कर रखना है। इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, ये तीन चीज़ें आप लगा लो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपसे पूछी जाएगी। तो इन तीन चीज़ों के अंदर हमें बिल्कुल रेडी रहना है। अपना इंट्रोडक्शन लिख के रखो, उसकी प्रैक्टिस करो, इंटर्नशिप के बारे में एब्स्ट्रैक्ट बना के रखो, उसकी प्रैक्टिस करो, प्रोजेक्ट के बारे में एब्स्ट्रैक्ट बना के रखो, उसकी प्रैक्टिस करो, IOCL की वेबसाइट को डेली देखते रहो, एक एक चीज़ एक एक टैब डेली बेसिस पे देखते रहो, याद करते रहो। एंड देन उसके बाद अपने जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं जो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे हैं, बस उन्हीं की डेली बेसिस पे रिविज़न करते रहो, मेन मेन चीज़ों की, डिस्टिलेशन, हीट एक्सचेंजर्स और पम्प्स। एंड उसके बाद जो CT में पेट्रोलियम इंडस्ट्री हमने पढ़ी थी उसके आप बेसिक रिविज़न करते रहो, तो इतना कुछ करने से हो जाएगा। एंड इसके अलावा इंडियन ऑयल के कई सारे मॉक इंटरव्यूज़ ऑलरेडी हमने ले रखे हैं, उसकी प्लेलिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उन्हें भी देख सकते हो, और उन्हें देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से एक ओवरऑल फ्लो रहता है ना। और ये जो मैंने आपको फ्लो बताया इसके ऊपर भी मैंने रिसेंटली एक सेशन लिया था, हाउ टू प्रिपेयर फॉर ए PSU इंटरव्यू, तो उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, वो भी देख सकते हो, तो वहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा फ्लो वाइज, पॉइंट वाइज, कि कैसे कैसे हमें डिफरेंट सेक्शंस की प्रिपरेशन करनी है। ओके एंड यस, अगर JD GT की बात करें तो JD GT में मतलब बहुत ही नॉर्मल JD GT होता है, और JD GT के लिए आपको अगेन ग्रुप प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे अगर आप दोस्त लोग हो, ग्रुप पे आप सब कनेक्टेड हो ही, तो चार पांच का ग्रुप बनाकर एक ग्रुप कॉल करके आप लाइव GD कर सकते हो एक दूसरे के साथ। तो डेली मैं चाहूँगा कि आप आधा घंटा GD पे इन्वेस्ट करो, किसी भी टॉपिक को उठाकर, है ना, लाइक जो भी रिसेंट अभी टॉपिक्स चल रहे हैं, चाहे लाइक इंडिया अभी पोलैंड विजिट कर रहा है, फिर यूक्रेन विजिट करेंगे, इसके ऊपर आप टॉपिक ले सकते हो, रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर एक GD ले सकते हो, इसराइल ईरान वॉर पे GD ले सकते हो, इसराइल पैलेस्तीन वॉर पे GD ले सकते हो, ठीक है, इंडिया के इंटरनल इश्यूज़ के बारे में GD ले सकते हो, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट के टॉपिक के ऊपर आप बात कर सकते हो, लेस वैकेंसीज इन PSU के ऊपर बात कर सकते हो, है ना, वुमेन सिक्योरिटी के ऊपर बात कर सकते हो। तो जो भी टॉपिक्स अभी देश में चल रहे हैं, डेली बेसिस पे एक टॉपिक को उठाओ और उस पर आप आपस में ग्रुप डिस्कशन करो, ठीक है, जो भी पॉइंट्स आपको लगते हैं फेवर में अगेंस्ट में, जो भी पॉइंट्स आपको लगते हैं वो पॉइंट्स आप बोलो वहाँ पर एक दूसरे से, और इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डेली टॉपिक्स के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी, और कल को यही सब नॉलेज आपको एक्चुअल GD के अंदर भी काम आएगी, और वही चीज़ें GT में भी काम आती है, बिकॉज GT में अल्टीमेटली एक ग्रुप बना के एक टास्क दिया जाता है, ठीक है, उस टास्क को आपको परफॉर्म करना होता है और वो टास्क अगेन अगेन डिस्कशन से ही, आप मान लो टाउन प्लानिंग करनी है, कैसे प्लानिंग करें, मान लो झुग्गी झोपड़ी के अंदर 10,000 लोग रह रहे हैं, उनको घर बसाना है तो कैसे उनको घर के अंदर बसाए, कैसे शिफ्ट करें, कोई भी आपको टास्क दिया जा सकता है, तो आपस में बातें करके आपको वो टास्क पॉइंट वाइज फॉर्म में आपको बताना है, समराइज करना है कि कैसे कैसे इस टास्क को पूरा किया जा सकता है। तो ग्रुप टास्क के अलग से कोई ऐसा सेपरेट प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है, GD की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ से आपको इतनी नॉलेज मिल जाएगी कि आप कोई भी टास्क आपको दिया जाएगा तो आप उसे परफॉर्म कर पाओगे। तो लेट्स से अगर इंडियन ऑयल का इंटरव्यू 1 मंथ बाद है फॉर एग्जाम्पल, तो 30 दिन में 30 टॉपिक्स अगर आप GD कर लेते हो, ग्रुप डिस्कशन कर लेते हो 30 टॉपिक्स पे, तो इतनी नॉलेज और इतना फ्लुएंसी आपके अंदर आ जाएगी कि एक्चुअल में जब वहाँ पे किसी भी टॉपिक पे आपको डिस्कशन करने को बोला जाएगा तो आपको कोई मतलब अजीब नहीं लगेगा। उस 30 टॉपिक्स पे डिस्कशन करने के बाद आपके पास इतने पॉइंट्स होंगे कि वहाँ पर जो भी टॉपिक आपको मिलेगा उस टॉपिक पे आप अच्छे से डिस्कशन कर पाओगे। तो अभी से मतलब इन शॉर्ट लग जाना है, अगेन मैं बोलना चाहूँगा इट्स नॉट ए वन डे प्रोसेस टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, पर ऐसा भी नहीं है कि ठीक है जब इंटरव्यू आएगा तब देख लेंगे, ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे।
इंटरव्यू के अंदर आधा आधा नंबर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.25 मार्क्स से भी बहुत बार जॉब रह जाती है। तो अगर आप सच में चाहते हो कि इंटरव्यू आपका अच्छा जाए और इंडियन ऑयल से आपको कंफर्मेशन लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर मिले, तो इंटरव्यू के अंदर पूरी जान लगा देनी है। शायद जितनी जान आपने गेट में लगाई, उसी पैशन से, उसी तरीके से आपको इंडियन ऑयल के बारे में पढ़ना है। मतलब अगर पूरा दिन भी लगाना पड़े तो लगाओ, लेकिन अच्छे से प्रिपरेशन करो। डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। हर एक चीज़ की आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, जो भी पॉइंट्स है, सो दैट जब आप वहाँ पे बैठो तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठो। आपके मन में ये हो कि हाँ, मैं पूरा पढ़ के आया हूँ, मैं पूरा करके आया हूँ, अब मुझसे कुछ भी पूछ लिया जाए मैं हर एक चीज़ का आंसर कर पाऊँगा। तो दैट इज़ द मेन थिंग, वो कॉन्फिडेंस दिल में चाहिए अगर आप किसी इंटरव्यू को क्रैक करना चाहते हो तो। और आज से लेके आने वाले जितने भी दिन हैं, उसमें अगर आपने डेली बेसिस पे प्रैक्टिस की, डेली बेसिस पे चीज़ों को प्रिपेयर किया, तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा कि मैं इंटरव्यू को क्रैक कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी से आपको लगना पड़ेगा। ये मत सोचना कि जब डेट रिलीज़ होगी तब मैं शुरू करूँगा, नहीं, अभी से लगना पड़ेगा। 15 में से 15 मार्क्स भी लाए जा सकते हैं। जितने ज़्यादा मार्क्स आप इंटरव्यू में लेकर आओगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो अगर आपका रैंक 200 है, 250 है, 300 है, क्या 300 रैंक पे सिलेक्शन हो सकता? हो सकता है। अगर आपके इंटरव्यू के अंदर अच्छे मार्क्स आ गए तो 300 रैंक पे भी सिलेक्शन हो सकता है। इंटरव्यू के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। एंड ओवर द ईयर्स मैंने देखा है बहुत बच्चों को आधे आधे नंबर से वो रह जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरव्यू। और ऐसे ऐसे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है जिनके कोई चांसेस नहीं थे, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू मार्क्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। बाकी आपको अगर कुछ स्पेसिफिक पूछना है, कुछ बात करनी है, तो आप कर सकते हो। गाइस, वन ऑन वन मीट है, ऐसी मीट मैं बार बार नहीं करूँगा। ठीक है, इसके बाद मैं कभी कुछ बात करूंगा तो सेशन के थ्रू ही बात करूंगा। आज वन ऑन वन मीट मैंने रखी है ताकि तुमसे इंटरेक्ट कर सकूं। तो अगर तुम इंटरेक्शन करना चाहते हो, कुछ बात करना चाहते हो, तो कर सकते हो। और अभी भी अगर मैसेज में ही पूछना है तो फिर मैं सेशन को बंद कर देता हूँ, एक यूट्यूब सेशन चला देता हूँ, वहाँ मैसेज कर देना अगर मैसेज में ही बात करनी हो तो। सर, यस जैसे है ना कि सेंटर सबका अलग अलग होता है, तो हर जगह पे जीटी जीटी का रूल्स भी अलग होता है। नहीं, जैसे ऐसा मेरे को कुछ पता है, नहीं, मेरा रूल्स ऐसा कुछ अलग नहीं नहीं सर, होता। मेरा एक कलकत्ता सेंटर में है, तो जो पिछले साल का भी जो भी सीनियर है उनसे बात किया, तो उधर पे क्या है, जीडी के लिए बोल रहे कि बस 2 मिनट ही मिलता है, एक साथ बोला जाना पड़े बोलना पड़ेगा नॉन स्टॉप, फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो मतलब इससे तो सर ऐसा होगा, अगर अननोन टॉपिक आ गया और मैं पहला बंदा, मेरे को अगर पूछा जाएगा तो उसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो उसको कैसे संभाले? जब भी आपको जीडी का टॉपिक कोई दिया जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले उस जीडी का टॉपिक देने के बाद आपको एक टाइम दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक टॉपिक बोला और बोलते ही बोला अनुपम बोलो, ऐसा नहीं होता है। कोई भी सेंटर हो, कहीं भी हो, ठीक है, आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा तो टॉपिक देने के बाद आपको एक टाइम दिया जाएगा। वो टाइम किसी सेंटर पे हो सकता है कम दिया जाए, किसी सेंटर पे हो सकता है ज़्यादा दिया जाए। दैट कैन बी 5 मिनट्स, दैट कैन बी 2 मिनट्स ओनली, दैट कैन बी 10 मिनट्स, बट हर टॉपिक को देने के बाद आपको टाइम दिया जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐसा कोई अननोन टॉपिक वो दे दे जिसके बारे में तुम्हें बिल्कुल आइडिया ना हो, ये इम्पॉसिबल है। बिकॉज जैसा कि मैंने बोला, आज से लेके जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन तक डेली बेसिस पर आप एक टॉपिक को लेकर जीडी करो, डेली बेसिस पर। और वो टॉपिक कैसे चूज़ करना है, मैं डेली बेसिस पर आपको एक टॉपिक दे दिया करूँगा, आप उस टॉपिक को आपस में ग्रुप बना के 5 के ग्रुप में डिस्कस कर लेना। ठीक है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो आज से लेके जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन तक अगर मैं डेली बेसिस पे एक टॉपिक आपको देता हूँ, आप उस पर जीडी करते हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि आपको कोई अननोन टॉपिक ऐसा मिल जाए जिसके बारे में आपको कुछ पता ही ना हो, क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है, हर टॉपिक कनेक्टेड होता है। तो इस टॉपिक की 4-5 बातें दूसरे टॉपिक में भी एप्लीकेबल होती है।
तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ भी ना पता हो। आपको कुछ पता होगा डेफिनेटली, आपको टाइम ही मिलेगा अपने पॉइंट्स लिखने के लिए, और पॉइंट्स लिखने के बाद फिर आपको बोलने का मौका भी दिया जाएगा। ओवरऑल जीडी का टाइम किसी सेंटर पे कम हो सकता है, किसी सेंटर पे ज़्यादा, दैट डिपेंड्स कि आपका किस स्लॉट के अंदर जीडी पड़ा है ना। कई बार लंच के टाइम के आसपास जीडी आता है, तो लंच करने जाना होता है तो वहाँ टाइम कम मिलता है। कई बार इवनिंग के टाइम भी जीडी आता है, तो उन्हें रैपअप करना होता है, इसलिए टाइम कम मिलता है। तो वो एक रेयर केसेस होते हैं, बट इन जनरल जो रूल्स, जो प्रोटोकॉल्स, जो फ्रेमवर्क होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो हर सेंटर में बराबर ही होता है। ठीक है, जिस भी सीनियर से आपने बात की है, वो सीनियर के साथ पर्टिकुलर उस बैच में, जिस बैच में उसने इंटरव्यू दिया, उस बैच के साथ ऐसा हो सकता है, बट ये जनरल केस नहीं है, ये स्पेशल केस है। इन जनरल हर बार जीडी का टॉपिक देने के बाद टाइम दिया जाता है, और टाइम देने के बाद एक एक करके, सबसे पहले एक एक करके सबको बोलने दिया जाता है कि आप एक एक करके अपने पॉइंट्स बताओ, और जब सबके पॉइंट्स हो जाते हैं तो लास्ट में सबसे कंक्लूजन बोला जाता है कि आप कंक्लूजन बताओ। तो एक एक लाइन में फिर सारे कंक्लूजन बताते हैं, और फिर जीडी हमारा कंक्लूड हो जाता है। इस तरह से जीडी होता है, ठीक है, और हर जगह इसी रूल के थ्रू ही जीडी चलता है, कुछ अलग रूल नहीं है। और डेली बेसिस में मैं एक टॉपिक आपको देता रहूँगा, जब तक इंटरव्यू नहीं आ जाता, तो जो भी टॉपिक इंडियन ऑयल के इंटरव्यू में आएगा जीडी के तौर पर, वो उन्हीं में से ही एक टॉपिक होगा, अलग से नहीं होगा, उन्हीं में से एक टॉपिक कहीं ना कहीं होगा। तो आपको डरने वाली जरूरत नहीं है, बस आपस में ग्रुप डिस्कशन आपको करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है। तो पांच पांच के ग्रुप्स बनाकर आप आपस में डिस्कस करते रहो, चाहे वीडियो कॉल पे कर लो, चाहे ऑडियो कॉल पे कर लो, बट डेली बेसिस पे डिस्कशन करना है। तो जो भी टॉपिक होगा उस पर पहले आधा घंटा रिसर्च करो, और उसके बाद एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके आधा घंटा डिस्कस करो। ठीक है, तो दैट इज द वे। सर एक यस डाउट था प्रबल, यस प्रबल सर, सर। सर मतलब मैं ऑलरेडी एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, ऑयल एंड गैस में, रिलायंस में। तो मुझे अपने इंटरव्यू में ये बोलना चाहिए, क्योंकि मेरी इंटर्न भी रिलायंस में ही थी और फिर मुझे पीपीओ मिला था रिलायंस से, तो ये चीज़ मुझे बतानी चाहिए, मतलब ये बैकफायर कर सकती है क्या? नहीं, सबसे सबसे पहली चीज़ तो बैकफायर नहीं करेगी, ये आपकी अचीवमेंट है कि आप रिलायंस के अंदर काम कर रहे हो, आपको रिलायंस का पीपीओ मिला था, आपने रिलायंस में इंटर्नशिप करी थी। तो मतलब इंडियन ऑयल को एक ऐसा बंदा मिलेगा जिसके पास ऑलरेडी एक प्रायर एक्सपीरियंस है, और प्रायर एक्सपीरियंस होने से कंपनी को बेनिफिट होता है। जब भी एक स्किल्ड वर्कर किसी कंपनी में जाता है तो उन्हें बेनिफिट ही होता है। तो इंडियन ऑयल में भी जो वो रिक्रूट करते हैं, मान लो एक टाइम पे उन्होंने टोटल ब्रांचेस मिला के 500 स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया, अब उन 500 स्टूडेंट्स की अलग अलग ट्रेनिंग होती है। तो उस ट्रेनिंग के बाद भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर परफॉर्मेंस फिर उन्हें फाइनल यूनिट एलोकेट की जाती है। सो एवरी कंपनी ऑलवेज वेलकम एक्सपीरियंस। तो अगर आपको जो भी एक्सपीरियंस है, जितना भी एक्सपीरियंस है, आपको ज़रूर मेंशन करना है, आपको बताना है, और फिर आपसे ना तो टेक्निकल पूछा जाएगा, ना आपसे एचआर पूछा जाएगा, ना प्रोजेक्ट, ना इंटर, कुछ नहीं पूछा जाएगा। जहाँ पर आप काम कर रहे हो, जिस यूनिट में आप काम कर रहे हो, आपका पूरा इंटरव्यू उस यूनिट के ऊपर ही चलेगा। तो वट एवर यू आर डूइंग, आप अगर वहाँ पर वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हो तो आपकी जॉब पक्की हो जाएगी, ये बिल्कुल भी चीज़ बैकफायर नहीं करेगी, है ना। भले आप पेट्रोलियम सेक्टर से रिलेटेड कंपनी में ना भी होते तो भी चीज़ बैकफायर नहीं करती। ठीक है, तो किसी भी कंपनी में अगर किसी का भी एक्सपीरियंस है, या अभी वो काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो ज़रूर बताना है। उस केस में आपका जो इंटरव्यू है वो उसी कंपनी के काम के अराउंड चलेगा। बिकॉज एज एन इंटरव्यूअर, एज एन इंटरव्यूअर मैं ये जानना चाहूँगा कि पर्सन जिस कंपनी में काम कर रहा है, उस कंपनी में उसे कितना आता है। बिकॉज अगर उसने वहाँ ढंग से काम किया, ईमानदारी से काम किया है, और उसने मेरे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं, तो मतलब वो जब मेरी कंपनी में आएगा तो भी वो अच्छे से काम करेगा, होनेस्टी के साथ काम करेगा और अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये अच्छा परफॉर्म करना या ना करना, ये इससे पता लगता है कि आपने प्रीवियस कंपनी में कैसा परफॉर्म किया है। तो डेफिनेटली अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप उसको ज़रूर बताओ, इट विल बी ए प्लस पॉइंट फॉर यू, नॉट द नेगेटिव पॉइंट फॉर यू। और पीएसयू के अंदर हर कोई आना चाहेगा, पे पैकेज अच्छा है, सिक्योरिटी है, कोरोना जैसे टफ टाइम में भी एक भी एम्प्लॉय नहीं निकाला, तो इस सिक्योरिटी के लिए तो कोई भी बंदा किसी भी कंपनी को छोड़ के, ज़्यादा पैकेज को छोड़ के भी पीएसयू के अंदर आएगा। तो ये एक्सप्लेन करना तो बहुत ही आसान है कि आप कंपनी क्यों छोड़ रहे हो, वेरी वेरी इजी। ओके सर, थैंक यू सर। बट मतलब मैं एक चीज़ कह रहा था कि
मुझे मतलब इधर आए हुए 15 डेज ही हुए, तो अभी इंडक्शन ही हुआ है मेरा, तो ऐसा मुझे कुछ अलोकेट नहीं हुआ कोई भी प्लांट एज ऑफ नाउ। तो अगर बट मुझे इंटर्न के बारे में पूछेंगे तो मैंने रिलायंस में जो इंटर्न की थी वो मुझे अच्छे से आती है, तो आई कैन एक्सप्लेन दैट पार्ट। दैट केस आप बस इंटर्नशिप बताओ, जॉब मत बताना, क्योंकि जॉब जब की ही नहीं आपने तो क्या बताना, 15 दिन का क्या एक्सपीरियंस बताओगे। और 1 महीने बाद आपका मतलब 2 महीने का एक्सपीरियंस हो गया, तो 2 महीने में इंसान कुछ नहीं सीख पाता। फालतू में उनकी एक्सपेक्टेशंस तुमसे ज़्यादा होगी, तुम परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो अच्छा नहीं रहेगा। उस केस में आप यही बताओ कि आपने इंटर्नशिप की थी, जॉब का कुछ एक्सप्लेन मत करो, ऐसा केस है तो। ओके सर, थैंक यू सर। सर बिकॉज सर अगर हम सर किसी को मेरा अपनी कंपनी के बारे में क्वेश्चन, बताते हैं तो सामने वाले को एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि ठीक है अब इसको करेंगे ग्रिल। अब ग्रिल करने लायक होना भी तो चाहिए, तो उसके लिए कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तब जाके हम अपने यूनिट के बारे में डेप्थ में जान पाते हैं। तो अगर हमें एक्सपीरियंस ही 2 महीने का है तो वी शुड अवॉइड टॉकिंग अबाउट दिस, है ना। और बस इंटर्नशिप का बता के हमें वहाँ से कट लेना है ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। यस ओमकार बोलो। सर मेरा क्वेश्चन प्रबल जैसा ही था कि आरसीएफ में अभी ज्वाइन हुए, 1.5 महीना ही हुआ है, तो नहीं बताना चाहिए ना। हाँ बट आरसीएफ में अगर ज्वाइन हुआ तो आरसीएफ में बाद में तुम्हें एनओसी भी तो चाहिए होगी, हाँ सर, उसका कैसे करोगे? सर ये एनओसी जब का इंटरव्यू देने थोड़ा जाओगे अगर एनओसी नहीं लेके जाओगे तो अंडरटेकिंग तो दोगे, डिक्लेयर तो करना पड़ेगा कि तुम एक पीएसयू एम्प्लॉई हो। हाँ सर, या तो एनओसी लेके जाओ, एनओसी नहीं लेके जा रहे हो आप, अंडरटेकिंग दो, कुछ तो करना पड़ेगा, तो डिक्लेयर तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। हाँ वो अलग बात है कि जब तुम्हारा 2 ही महीने का एक्सपीरियंस है तो तुमसे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, बट डेफिनेटली ये तो पूछेंगे कि यू आर ऑलरेडी ए पीएसयू एम्प्लॉई, तो आप आईओसीएल क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, इस क्वेश्चन की प्रिपरेशन करके जाना, है ना, कि मैंने पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर क्यों आना चाहते हो, पैकेज अच्छा है, डाइवर्सिफिकेशन अच्छी है, 10-10 रिफाइनरी है, आगे एक्सपेंड कर रही है, तो आईओसीएल के जो भी प्लस पॉइंट्स है वो आप पढ़ के जाना और वहाँ पर बता देना कि ये प्लस पॉइंट्स हैं और मैं ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहता हूँ, तो दैट इज़ वाई आई वॉन्ट टू ज्वाइन आईओसीएल। बट आरसीएफ का छुपा नहीं सकते आप, बताना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी होती है तो छुपा सकते थे, गवर्नमेंट कंपनी का कैसे छुपाओगे? पीएसयू के अंदर हो तो पीएसयू के अंदर तो बताना ही पड़ेगा आपको कि आप पीएसयू के अंदर हो, आप हाइड नहीं कर सकते इस बात को। ठीक है सर। और सर मेरी इंटर्नशिप है ना रिलायंस में हुई थी, ऑनलाइन हुई थी। सर 3 महीने की इंटर्नशिप थी ऑनलाइन, पर 7-8 सेशन ही हुए थे। मैंने पढ़ा है अच्छे से, टॉपिक तो क्या था? वो टॉपिक क्या था? सर डिलेड कोकर यूनिट। हाँ तो डिलेड कोकरेंट के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना, ये मैटर नहीं करता आपकी ऑफलाइन हुई थी ऑनलाइन हुई थी, व्हाट मैटर्स इज आपने उसके बारे में पढ़ के गए हो या नहीं, तो आपको डिलेड कोकर यूनिट के बारे में छोटी से छोटी बात पता होनी चाहिए बस। और इंटरनेट पर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बुक्स के अंदर भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप उसे अच्छे से पढ़ लेना। एंड डेफिनेटली आपको रिपोर्ट तो मिली होगी, उस रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ लेना, है ना। तो डीसीयू हाँ के बारे सर, में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिकॉज डीसीयू इंडियन ऑयल में भी यूज़ करते हैं, है ना, तो डेफिनेटली दे विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम डीसीयू। तो ऐसा हो सकता है कि आपका पूरा इंटरव्यू सिर्फ डीसी के ऊपर चले और डीसीयू के ऊपर ही ख़त्म हो जाए, इट कैन हैपन। तो अपने इंट्रोडक्शन के अंदर आप ये चीज़ मेंशन करना, एंड आई डिड माई इंटर्नशिप फ्रॉम रिलायंस दैट 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 एंड आई डिड माई इंटर्नशिप इन डिलेड कोकर यूनिट। जैसे ही आप ये लाइन बोलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा टेल मी अब टेल अस अबाउट द डिलेड कोकर यूनिट, बस फिर पूरा इंटरव्यू उसी पे चलेगा, बाकी कुछ पूछेंगे ही नहीं, एंड डन, सिलेक्शन हो जाएगा। ओके सर, जिस भी हेलो पॉइंट के सर, ऊपर, जिस भी पॉइंट के ऊपर हम चाहते हैं कि हम हमसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछे, हमें वही पॉइंट अपने इंट्रोडक्शन में ऐड कर देना है। अगर आप चाहते हो आपसे प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछे, आप अपने प्रोजेक्ट का टाइटल इंटरव्यू में ऐड कर दो। अगर आप चाहते हो कि आपसे डायरेक्ट टेक्निकल से सवाल पूछे जाए, तो आप अपने इंट्रोडक्शन में ऐड कर दो एंड माय फेवरेट सब्जेक्ट्स आर मास ट्रांसफर एंड हीट ट्रांसफर। आप चाहते हो कि आपसे इंटरव्यू इंटर्नशिप के ऊपर पूछे, तो आप अपने इंटर्नशिप का टाइटल ऐड कर दो इंट्रोडक्शन में। बेसिकली जो भी आप इंट्रोडक्शन के अंदर ऐड करोगे आपका पूरा इंटरव्यू उसी के अराउंड चलेगा। तो किसी चीज़ को इतना अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ कि कॉन्फिडेंटली तुम इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन के अंदर बोल पाओ, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली फिर पूरा इंटरव्यू उसी के अराउंड चलेगा और उसी के अराउंड पूरा इंटरव्यू ख़त्म भी हो जाएगा।
सो दैट इज़ ए वेरी बिग प्लस पॉइंट, अगर एक चीज़ हम बहुत अच्छे से रेडी करके जाते हैं तो। यस खुशागरा बोलो। हाँ सर, सर सर मेरे दो डाउट्स थे सर। फर्स्ट डाउट तो एक कि मैंने दो इंटर्नशिप करी है सर, फर्स्ट गेल में समर इंटर्नशिप एंड सेकंड 6 मंथ्स करी थी फाइनल ईयर में सर, वो लोहम क्लीनटेक करके रिन्यूएबल्स एनर्जी का लिथियम एंड बैटरी का प्लांट। सर मैंने एग्जॉन मोबिल का भी इंटरव्यू दिया एंड EIL का, दोनों में सर दोनों के बारे में बताया था, गेल के बारे में भी और लोहम क्लीनटेक के बारे में भी। और सर प्रॉब्लम ये आती है कि वो फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग करते थे सामने से, लाइक कि लोहम में तो तुम्हारा रिन्यूएबल सेक्टर में था, तुम रिन्यूएबल्स में क्यों नहीं जा रहे हो, नॉन रिन्यूएबल से सब पेट्रोलियम अभी लाइक मतलब जल्दी खत्म हो सकते हैं और रिन्यूएबल्स, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग आ जाती है सर। मैं बोलता हूँ लाइक सेफ जॉब ये सब, फिर भी वो मतलब ऐसा लगता है मेरे को कि वो लाइक सेटिस्फाई नहीं होते हैं मेरे आंसर से सर। तो तो इस दोनों में से जो ट्रेनिंग थी आपकी गेल की और लोहम की, लंबी ट्रेनिंग कौन सी थी, लॉन्ग ड्यूरेशन की? लोहम लोहम सर वो सिक्स लोहम की मंथ्स थी। की तो थी, गेल 2 मंथ्स का था लोहम खाली बताओ, बस वो मत बताओ गेल। सर। पर लोहम रिन्यूएबल्स में आ जाता है ना लिथियम आयन बैटरी में, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते कि तुम रिन्यूएबल सेक्टर में क्यों नहीं जा रहे हो, ये तो नॉन रिन्यूएबल सेक्टर IOCL ये रिन्यूएबल सब। सेक्टर में पीएसयू नहीं है, आप पीएसयू बना दो, मैं पीएसयू में चला जाऊंगा। वो सर फिर ऐसा लगता है सेटिस्फाई नहीं होते हैं लाइक आंसर से, इंटरव्यू आपने सोचते एग्जॉन हैं मोबिल में इंटरव्यू दिया है, और हाँ दूसरा सर वो इंटरव्यू आपने भी कहाँ बोला, EIL में दिया है। हाँ सर EIL मतलब एग्जॉन मोबिल उधर तो वैसे ही प्राइवेट कंपनी है, हाँ सर तो दे कैन से कि तुम वहाँ चले जाओ, एंड यू डोंट हैव एनी कंक्रीट आंसर कि मुझे वहाँ नहीं जाना। EIL की बात है तो EIL के अंदर तो वैकेंसी ही 4-5 होती है, हाँ सर तो वहाँ तो कोई क्या बोले। लेकिन इंडियन ऑयल के अंदर आप बोल सकते हो ये चीज़ कि मुझे जहाँ पर इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने हाँ वहाँ सर इंटर्नशिप की। अब इंडियन ऑयल तो नहीं कराता 6 महीने की, बहुत कम करवाता है। इंडियन हाँ ऑयल के सर पास अगर इंटर्नशिप करने जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 वीक्स की इंटर्नशिप मिलती है, ये बात इंडियन ऑयल वाले भी जानते हैं, हाँ सर है ना। तो जहाँ मैंने कई जगह पर, आप बोलो, मैंने कई जगह पर अप्लाई किया था और एक जगह से मुझे कन्फर्मेशन आई लोहम से, तो मैंने वहाँ पर इंटर्नशिप की है। ठीक है, ओके सर पास होने के लिए की है, सेमेस्टर में चाहिए, एक सेमेस्टर है पूरा इंटर्नशिप हाँ का, सर तो इंटर्नशिप तो यस मुझे सर करनी है। तो आई डिड यस इट एज माई सेमेस्टर रिक्वायरमेंट, तो मैंने सर सेमेस्टर रिक्वायरमेंट के लिए ऐसे किया और मैंने पास कर लिया है, बस इतना ही पूछना है। जो भी आपसे लोहम से पूछेंगे आप बता देना। उसके यस ऊपर अगर सर आपसे पूछा कि आप वहाँ क्यों नहीं जाना चाह रहे, तो राइट नाउ सर देर आर नो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। जाओगे तो तब ना जब ऑफर लेटर हाथ में होगा, तो हाँ सर राइट नाउ राइट देर आर नो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, एंड द अपॉर्चुनिटी दैट इज अवेलेबल टू मी इज इन इंडियन ऑयल। आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यस है सर ना, एंड दिस इज ए PSU, यस सर गवर्नमेंट कंपनी, हाई सिक्योरिटी, गुड पैकेज, सो हाउ कैन आई डिनाई दिस, है ना। राइट तो मुझे तो यही आना है सर सर, मैं तो और कहीं नहीं जाना चाहता, मैं तो यहीं पे आना चाहता हूँ। यस सर एकदम। एंड सर एक और प्रॉब्लम सर, लाइक गेल में जो था ना मेरा बेंगलुरु में था सर इंटर्नशिप, तो वो लाइक एक तरीके से मतलब स्टेशन टाइप था, मतलब उधर कुछ प्लांट वगैरह सर नहीं गेल था, का तो ओनली बता ही नहीं, बताऊँ मत ना, डिस्क्लोज मत करो गेल का, गेल का नहीं बताऊं सर, एक बताओ फिर दिक्कत हो जाएगी ना। दो इंटर्नशिप एक ही बतानी लेकिन होती है, लेकिन जो सीनियर्स सबसे कह रहे लंबे अच्छा इंटर्नशिप चलती है वो बतानी होती है। वही, लेकिन सीनियर्स कह रहे लाइक गेल उसी सेक्टर का IOCL का, तो वो बताना ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा कि बट वो 2 मंथ की थी ना, फिर हाँ सर वो 2 मंथ्स इन की जनरल थी। जो रूल बोलते हैं, जो PSU या कहीं भी आप बता जाते हो जब इंटरव्यू देने, तो जो रूल होता है वो ये कि जो लॉन्गेस्ट इंटर्नशिप की होती है आपको वो बतानी होती है। हाँ सर अगर आप लेट से लोहम का नहीं बताना चाहते हो, गेल का बताना चाहते हो, तो उस केस में फिर लोहम का मत बताना, गेल का बताना। बताना सिर्फ एक है, अच्छा दो एक ही इंटर्नशिप कभी बताना नहीं बतानी होती, उसका कोई हाँ लॉजिक सर नहीं है, कोई सेंस नहीं है, जो भी लॉन्गेस्ट इंटर्नशिप होती है जनरली वो बतानी होती है। अगर आप वो नहीं बताना चाहते, दूसरी बताना चाहते हो, दूसरी बता दो, बट दो बता के कुछ नहीं होगा। यस सर लाइक आपने खुद ही एक्सपीरियंस कर लिया ना कि जहाँ भी दो बताई आपकी दाल नहीं गली, हाँ सर है ना। तो एक बताओ जिसमें तुम कॉन्फिडेंट हो वो बताओ, ये मत सोचो कि इस सेक्टर का है उस सेक्टर का नहीं है। ऐसे तो फिर जिस जिस बच्चे ने IOCL में इंटर्नशिप करी है सबकी जॉब लग जानी चाहिए, राइट अगर सर तुम्हारे प्रिंसिपल के हिसाब से काम करे तो जिस जिस बच्चे ने हाँ इंडियन ऑयल में जॉब करी सबकी जॉब लग जानी चाहिए, बट ऐसा तो नहीं होता है। आप इंडियन ऑयल में चाहे 1 साल की इंटर्नशिप करो, देर इज़ नो गारंटी ऑफ जॉब। हाँ NFL में सर चाहे 2 साल की अप्रेंटिस करो, देर इज़ नो गारंटी ऑफ जॉब। तो जॉब यस सर मिलना अप्रेंटिसशिप या ट्रेनिंग या इंटर्नशिप पे डिपेंड नहीं करता है, वो आपके इंटरव्यू के मार्क्स और गेट के मार्क्स पे डिपेंड करता है। तो इट डजेंट यस डिपेंड सर अपॉन कि आपने कहाँ इंटर्नशिप करी है कहाँ नहीं करी है,
आपके इंटरव्यू में कितने मार्क्स यस आएंगे, सर। गेट में कितने मार्क्स थे, ओवरऑल आपकी स्कोर कितना बना, कट ऑफ को क्लियर हुआ तो सिलेक्शन होगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा, और किसी चीज़ पे डिपेंड यस नहीं सर करता है। तो गेल उस सेक्टर का सर। है, लोहम उस सेक्टर का नहीं है, ये सब बोगस बातें हैं। जो सीनियर ऐसी बातें करते हैं उनसे दूर रहो, कोई फायदा नहीं है। नहीं सर, वो आईओसीएल में लास्ट ईयर ही होंगे है ना सर, होंगे लास्ट ईयर गए इसलिए। होंगे, मेरे 12 साल से जा रहे हैं भाई, है यस ना, सर, रहता है तो सर। वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हाँ जो सर। जिस इंटर्नशिप में तुम्हें कॉन्फिडेंस है उस इंटर्नशिप के बारे में हम बात करो, बस दो बताने फिर की नीड नहीं है। फिर सर वो इंटरव्यू को प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? अब रिन्यूएबल एकदम से लिथियम बोलूंगा तो बोलेंगे इसके रिगार्डिंग अगर क्वेश्चनिंग तुम वो पढ़ सब। के जाओगे तो नहीं आएगी, अगर नहीं आता होगा कुछ तो आएगी। मैं बोला ना नहीं जिस सर। हाँ इंटर्नशिप मतलब में तुम्हें कॉन्फिडेंस है वो बताओ, यस सर। जिस इंटर्नशिप के बारे में तुम आज से लेके इंटरव्यू की डेट तक पढ़ोगे वो बताओ। तुम्हें पता हाँ होना चाहिए सर। चीज होगा। तुमसे दो क्वेश्चन पूछे, तुम्हें दोनों नहीं आते होगे तो नहीं डेफिनेटली सर, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं राइट सर, राइट सर। सर मतलब ऐसा था कि एग्जॉन मोबिल और इन्होंने दोनों के बारे में पूछा था, पर उनको शायद, मेरे को ऐसा लगा कि उनको लगा मैं रिन्यूएबल की तरफ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि उनके आंसर उस समय इंटर्नशिप जस्ट करी हुई थी, तो इसलिए अच्छे से आंसर दे भी दिए थे। तो मेरे को लगा वो शायद ये सोचो कि मैं रिन्यूएबल्स की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ उनके अलावा, तुम्हारे मतलब एग्जॉन। सिलेक्शन ना होने का कारण कुछ और था। ये कारण नहीं होता कभी कि आपने आंसर अच्छे कर दिए आपने इंटर्नशिप के अंदर तो आप रिन्यूअल में जाना चाहते हो इसलिए आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। ये आपको भ्रम है, बहुत बड़ा वहम है, मे बी यू नॉट कैपेबल इनफ कि वो आपको सिलेक्ट कर ले, और हो सकता है बाकी जो कैंडिडेट्स आए दे हैव परफॉर्म्ड वेल, बेटर देन यू। दिस इज नॉट द रीज़न, अपने दिमाग से निकाल दो। ये रीज़न की वजह से आप अपनी जो कमियां हैं उनको छुपा रहे हो। फाइंड आउट करो कि आपने वो क्या मिस्टेक्स करी है, गलतियां क्या करी है। ये मत सोचो कि मैंने दोनों का बोल दिया, दोनों के आंसर अच्छे दे दिए तो उन्होंने सोचा मैं रिन्यूएबल में जा रहा हूँ। ये आपके दिमाग की बस एक सोच है, जो सोच आपकी कमियों को दूर नहीं होने देगी। कभी भी आप इंटरव्यू के अंदर किसी सेक्टर के अंदर बेटर करते हो दैट इज़ नेवर द रीज़न ऑफ योर नॉन सिलेक्शन, नेवर द रीज़न। तो सोचो कि क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ, जो कमियां थी उन्हें दूर करो। ये फालतू की बातें मत सोचो। एंड सर वन मोर डाउट, जीडी का जो सर पॉइंट उठाया था सर, जीडी में 2 मिनट मिलता है, फिर ईआईएल में तो सर ऐसा था 2 मिनट के बाद फिर उन्हें कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं, कुछ रेगुलेशन नहीं, सबने ओपनिंग स्टेटमेंट दिया, उसके बाद एकदम ओपन हो गया कि सब बस बीच में काट रहे एक दूसरे की बात सर। तो वो मतलब उससे एकदम कंफर्टेबलनेस वो सर निकल जाता है कि एकदम से लोग एक दूसरे की बात काट रहे हैं, ऐसे चिल्ला रहे हैं हाँ, बट तो ग्रुप सर। डिस्कशन इज नॉट डिबेट ना, हाँ एक सर, दूसरे की बात काट रहे हैं तो डिबेट हो गया। वही समझ नहीं आता फिर उस समय कि हम भी ऐसे बीच में गुस्से बोलने लगे कि चुप बैठे अपना, हैंड रेस नहीं, करके। चुप हाँ नहीं बैठना है, बोलना तो है सर। बट अपने पॉइंट्स रखने हैं, किसी की बात काटनी नहीं है। अपने पॉइंट्स रखना है इस ग्रुप डिस्कशन, किसी की बात काटना है इट्स डिबेट। सो देयर इज ए थिन लाइन बिटवीन डिबेट एंड ग्रुप डिस्कशन। राइट सर। सर ओपनिंग बट स्टेटमेंट के बाद जब ओपन हो हाँ जाता है कि बोलो तो तुम हाँ सर, बोलो, हाँ सर, बट किसी की पर बात काट के नहीं, अपना पॉइंट सामने रख के। सर पर उसमें एक साथ 4 लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं, अब जिसका थोड़ा जोर से बोल रहा हो फिर वो निकल जाता ही रहता है, फिर तो बाकी बोलो, सब तुम भी जोर शांत। से बोलो, तुम्हें कौन मना कर रहा है जोर से बोलने के लिए। सर ऐसा लगेगा चिल्ला रहे हैं ये कर रहे हो ये। कई बार प्रोटेस्ट को भी तो वॉलेंट होना पड़ता है ना, ताकि सरकार हमें ये आवाज सुने, यस वॉलेंट होना पड़ेगा कई बार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह ऐसा नहीं होता है, अगेन जहाँ भी हाँ तुम्हारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं सही नहीं सर, रहे हैं, ईआईएल का ही था सर ये वाला। जो भी है सही नहीं रहे हैं, है ना, ऐसे जीडी जनरली नहीं होते। आपको ओपनिंग स्टेटमेंट के बाद ऑब्वियसली ओपन करवाया जाता है, बस ऐसे डिबेट नहीं होती है, चीखना चिल्लाना नहीं पड़ता है, ठीक है। कुछ मतलब तरीका होता है, वो ऑफिसर बैठा होता है, देख रहा होता है, बता रहा होता है, तो जनरली ऐसा नहीं होता है। बट अगर ऐसा हो भी जाए तो तुम्हें चुप नहीं रहना, बोलना ज़रूर है, अपने पॉइंट सामने रखने हैं विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट। किसी की बात नहीं काटनी है, कुछ ऊपर नीचे नहीं बोलना है, पर्सनली नहीं लेना है किसी को, बस अपनी बात रखनी है। एंड 2 मिनट काफ़ी थैंक होते हैं किसी टॉपिक के ऊपर अपने पॉइंट्स नोट डाउन करने के लिए। टू यू सर। मिनट्स आर हाँ इनफ। यस सर, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। नो गुड इवनिंग सर। हेलो चंदन, बोलो। हाँ सर, सर मेरा मेरे 2 सवाल थे सर। पहला ये था कि मैंने अपने बीटेक के टाइम पर कोई इंटर्नशिप की नहीं थी, मैंने अपना पूरा टाइम जो था सर गेट
पर ही फोकस किया था और जो कॉलेज के टाइम पर प्रोजेक्ट्स थे मेजर प्रोजेक्ट्स उन पर दिया था। तो सर अब वो जब पूछेंगे मुझसे कि तुमने इंटर्नशिप क्यों नहीं किया, अपने कॉलेज में सेकंड या थर्ड ईयर के अंदर एक कंपलसरी ट्रेनिंग होती है, उसके सर्टिफिकेट तो जमा करवाया होगा? नहीं सर, नहीं हमारे कॉलेज में सर ऐसा कोई रूल नहीं था कि कंपलसरी चारों ईयर्स के अंदर इंटर्नशिप करने की कोई नीड ही नहीं है। नहीं सर कंपलसरी नहीं था ऐसा। हाँ तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बोलो हमारे कॉलेज में कोई रूल ही नहीं था ऐसा। अगर पूछते भी है कुछ इंटर्नशिप के, पहली बात तो अपने इंट्रोडक्शन में इंटर्नशिप का जिक्र मत करना। हाँ सर। तो अगर इंटर्नशिप का जिक्र नहीं करोगे तो बहुत कम चांस है कि वो इंटर्नशिप के बारे में पूछे, और अगर पूछते भी है तो तुम्हारे पास तो एक बहाना है ना, एक रीजन है कि सर हमारे कॉलेज में ऐसा कोई रूल ही नहीं था इंटर्नशिप का। अब हमें कॉलेज का नाम बता देना, ये कॉलेज है जी, वहाँ पे रूल ही नहीं था कोई इंटर्नशिप का, तो कोई किसी ने भी इंटर्नशिप नहीं करी। अब ये क्यों बोल रहे हो कि मैंने नहीं करी, अब बोलो किसी ने भी नहीं करी, वो कौन सा चेक करने जा रहे किसी ने करी नहीं करी। हाँ सर, हाँ सर, सिंपल, आपके पास तो एक स्ट्रॉन्ग रीजन है तो कोई टेंशन ही नहीं है। यस सर। बाकी सर मैं प्रोजेक्ट्स को तो फोकस कर सकता हूँ ना, मेजर प्रोजेक्ट्स को मैं उन पर थोड़ा बढ़ावा दे सकता हूँ। बिल्कुल करो, बढ़ावा दो, और अगर आप अच्छे से करते हो तो फिर आप अपने प्रोजेक्ट को इंट्रोडक्शन में ऐड करो। हाँ सर, प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे। यस सर। दूसरा सवाल ये था सर मेरा कि मैंने अभी कुछ सीनियर से बात की है जिन्होंने लास्ट ईयर ISCL का इंटरव्यू क्रैक किया हुआ है, तो वो बोल रहे थे कि जो इंटरव्यू का जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिपेंड, वो मतलब सेंटर के बेसिस पर डिपेंड करते हैं, कहीं HR क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और कोर पर टेक्निकल पर कम जोर दिया जाता है, और कहीं HR कम पूछा जाता है टेक्निकल पर ज्यादा जोर दिया जाता है। मेरा इंटरव्यू सेंटर सर दिल्ली में है, तो सर मुझे किस तरह से डिपेंडेंट नहीं होता कुछ भी, पर्सन टू पर्सन डिपेंडेंट होता है। जैसे कि मैंने बताया आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है, आप किस तरह से आंसर कर रहे हो उनका, आपकी जो पर्सनैलिटी है ना ओवरऑल, उसके बेसिस पे हर पर्सन का इंटरव्यू अलग होता है। आपके जितने सीनियर्स हैं, मान लो 10 सीनियर्स हैं, अब 10 के 10 सीनियर से बात करो, सबका अलग अलग इंटरव्यू हुआ होगा। किसी का इंटरव्यू इंटर्नशिप के ऊपर चला तो किसी का प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी का टेक्निकल के ऊपर तो किसी का आचार के ऊपर। ऐसा नहीं होता है कि एक सेंटर में पूरा दिन वो सिर्फ एक चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछे, ऐसा नहीं होता है। दे आस्क एवरी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट, है ना। लाइक उन्हें कुछ नहीं समझ में आता तो टेक्निकल पूछने लग जाते हैं, टेक्निकल का एक क्वेश्चन पूछा तुमने ढंग से आंसर नहीं किया तो HR पे आ जाते हैं, HR भी अच्छे से नहीं पूछा तो इंडियन ऑयल के बारे में पूछने लग जाते हैं, जब वो भी अच्छे से नहीं पूछा तो इंटरव्यू ख़त्म कर देते हैं। तो वो एक चीज़ के बारे में पूछते हैं, आपने ढंग से आंसर दिया तो वो कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो वो दूसरी चीज़ पे शिफ्ट कर जाते हैं। तो जिस सीनियर का एक्सपीरियंस रहा है HR का, उससे टेक्निकल पूछा होगा, उसने सही से आंसर नहीं किया होगा तो उससे HR पे शिफ्ट हो गए, और HR का उसने अच्छे आंसर देने लगा तो उससे HR के क्वेश्चन पूछते रहे, इंटरव्यू ख़त्म कर दिया। तो इसी तरह आप क्या खुद को इंट्रोड्यूस करने वाले हो, कैसे इंट्रोड्यूस करने वाले हो, अपने इंट्रोडक्शन में टेक्निकल सब्जेक्ट्स के नाम देने वाले हो, प्रोजेक्ट के नाम देने वाले हो, उस पर डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कैसे आगे जाएगा। इंटरव्यू कैसा जाएगा ये इंटरव्यू डिसाइड नहीं करता, ये हम डिसाइड करते हैं। हम जिस डायरेक्शन में इंटरव्यू को मोड़ना चाहते हैं, इंटरव्यू उसी डायरेक्शन में चला जाता है। इसीलिए अपने आंसर्स को सोच समझ के दो और ऐसे वर्ड्स का यूज करो जिन वर्ड्स के ऊपर आगे क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सके, और ऐसे वर्ड्स का बिल्कुल यूज मत करो जिन वर्ड्स के ऊपर आप आगे क्वेश्चन नहीं चाहते हो। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल गिविंग द इंटरव्यू, क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते हो, एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिनसे भी आपने बात करी दे हैव देयर ओन एक्सपीरियंसेस, सेंटर टू सेंटर कोई ऐसा रूल नहीं होता है। इंटरव्यूअर हर बच्चे का इंटरव्यू अलग लेता है, और कोई सेट ऑफ रिपीटेड क्वेश्चंस, मान लो कई सारी फाइल फ्लोटर लग जाएगी कि ये फाइल एंडिनल क्वेश्चंस कीजिए, इनको कर लो, यही पूछेंगे, एक सवाल भी उसमें से नहीं पूछेंगे। आप बस अपने जो आपने गेट की प्रिपरेशन करी थी हीट मास और FM की, वही करके जाओ, उसी में से ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। द इंटरव्यू शुड बी नेचुरल, वहाँ पे जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे उसके बारे में सोच के आपको वहीं पे ऑन स्पॉट आंसर करना है। कोई भी चीज़ आप ऐसे नहीं करके जा सकते कि हाँ ये है, ये एक सिलेबस बन गया इंटरव्यू का, ये पढ़ के जाओगे अब इसी में से आएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। एवरी ईयर द इंटरव्यूअर्स आर डिफरेंट, एवरी ईयर द क्वेश्चंस आर डिफरेंट, सो पर्सन टू पर्सन मैटर करता है कि इंटरव्यू कैसा चलेगा। तो ये अपने माइंड से निकाल दो कि सेंटर स्पेसिफिक कोई रूल होता है। इनफैक्ट आपसे पहले जो इंटरव्यू देने गया होगा ना, हो सकता है आपका इंटरव्यू उससे बिल्कुल अलग हो, ठीक है। अच्छा, तो इसीलिए किसी से बात करने की नीड ही नहीं है।
इनफैक्ट सेंटर में जाओगे तो वहां भी किसी से बात करने की नीड नहीं है, क्या पता उससे पेट्रोलियम का पूछ लिया सारा, और तो फिर तुम्हें नर्वसनेस हो जा रहा है यार पेट्रोलियम तो मैं पढ़ के ही नहीं गया, और उस नर्वसनेस के चक्कर में तुम अंदर जाके अनाप शनाप बोल के आ जाओ कुछ और सिलेक्शन ना हो। तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहना है, किसी से उसके रिलेटेड ज़्यादा बात नहीं करनी, बस अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है, अपनी नॉलेज पे फोकस करना है और उसी से इंटरव्यू क्रैक करना है। अब ज़्यादा बातें करोगे तो दैट कैन बैक फायर मैनी टाइम्स। ओके सो यस जस्ट बी फोकस्ड एंड प्रिपेयर, ओके थैंक यू सर, ऑल द ओके बेस्ट। सर यस सर, मैं एज अ जेआरएफ आईआईटी में काम कर रही हूँ, जहाँ पे मैंने एमटेक किया वहीं पे वापस मैं जेआरएफ काम कर रही हूँ, और जो मेरा एमटेक प्रोजेक्ट था उसी को एक्सटेंड करके दूसरे टॉपिक पे बट रिलेटेड है उसी से। तो मैं एक रिसर्च पेपर रिव्यू पेपर लिख रही हूँ, और तो क्या मुझे ये सारी चीज़ें मेंशन करनी चाहिए या फिर मुझे एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी? एनओसी तो आई डोंट थिंक सो आपको चाहिए, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ ओके एनओसी चाहिए होगा। और जहाँ तक बात है मेंशन करने की, तो पॉइंट ये है कि अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो हाँ फिर इतने टाइम आपने क्या किया उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से मिल नहीं पाएगी। ओ ओके सर और ओके अगर आपने बोला कि गैप ईयर है तो वो एक नेगेटिव में चला जाएगा, है ना। ओ ओके सर तो क्या होता है कि लेट से अगर मैं पीएसयू में जा रहा हूँ, पीएसयू के इंटरव्यू में बैठा हूँ और मैं जॉब चाहता हूँ, तो नाउ ए डेज कॉम्पिटिशन इतना टफ है ना कि हर कोई समझता है कि जरूरी नहीं है कि फोर्थ ईयर पास होने के बाद ही आपका अच्छा रैंक आ जाए और जॉब लग जाए। सो दे नो कि कई बार 2 साल 3 साल का टाइम भी लगता है यहाँ तक पहुँचने में। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि आई ट्राइड, है ना, जो भी आपने फोर्थ ईयर दिया होगा आई ट्राइड बट यू डिडन गेट द अपॉर्चुनिटी, सो वट एवर द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, है ना, यू ग्रैब दैट, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने थी आपने वो ले ली, और उसके बाद आप साइड बाय साइड आप प्रिपरेशन भी करते रहे बिकॉज योर अल्टीमेट एम इज टू गेट इन टू द पीएसयू। तो आप साइड बाय साइड प्रिपरेशन करते रहे और वट एवर द अपॉर्चुनिटी इज इन फ्रंट आपने वो ग्रैब कर लिया। फिर आपने जब एमटेक हुई तो आपने एमटेक के प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करके जेआरएफ उसमें करना शुरू कर दिया बिकॉज दैट इज द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू यू, है ना। तो इससे ये पता लगता है कि आप एक अपॉर्चुनिटिस्टिक पर्सन हो, खाली नहीं बैठोगे, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी आप उसे ग्रैब करोगे। और यही आज की सच्चाई है कि खाली बैठने से कोई फायदा नहीं होता, आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटी आती है आपको ग्रैब कर लेना चाहिए, और फाइनली आपकी मेहनत आपको अब इंटरव्यू में ले जाती है। तो सर अब मैं फाइनली इंडियन ऑयल ज्वाइन करना चाहती हूँ बिकॉज यही मेरी अल्टीमेट डेस्टिनेशन थी, ठीक है। तो आप ये चीज़ आप उन्हें बता सकते हो, तो गैप ईयर बताने का तो बिल्कुल बेनिफिट नहीं है, ठीक है, बट उन्हें स्टोरी इस तरह से बतानी है कि उन्हें कहीं से भी ये ना लगे कि इसका तो रिसर्च में इंटरेस्ट है। रिसर्च में कर रही थी क्योंकि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी पीएसयू ज्वाइन करने की, तो द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन दैट इज अवेलेबल टू मी इज दिस, दैट इज व्हाई आई एम डूइंग दिस, बट माई मेन फोकस ऑलवेज इज टू गेट इन टू पीएसयू। दैट्स व्हाई आफ्टर कमिंग बैक टू कॉलेज इन द हॉस्टल आई ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द गेट, I always prepare for the PSUs. I always prepare for the interview and the written exams. My main focus was that only. तो हर चीज में आपको ये बस उन्हें realize करवाना है कि जाना तो आपको PSU में ही था, बस वहां तक नहीं जा पा रहे थे इसलिए आप ये कर रहे थे, बट अब आपको मौका मिला है, so you want to grab it by both hands. ठीक है? So like this you have to answer. Thank you sir. Good All the evening best. sir. Yes. सर मैंने फाइनल ईयर में एनटीपीसी में एक्चुअली मैं इंटर्नशिप की थी, एनटीपीसी में, ठीक तो है, यस सर। तो एक्चुअली मैं ऐसा है कि केमिकल के लिए एनटीपीसी तो नहीं है सर। बिल्कुल हाँ तो मैं मतलब अगर मेंशन करता हूँ इंट्रो में कि आई हैव डन इंटर्नशिप इन इंट्रो में मत करो एनटीपीसी, ना मेंशन, फिर इंट्रो में मत करो, और सर मैंने थर्ड सेकेंड ईयर में सेल में इंटर्नशिप की थी बट ठीक इट है वॉज ठीक जस्ट ऑफ 15 डेज, है ठीक सो है। शुड आई मेंशन दिस? आप और इंट्रोडक्शन मेंशन मत करो, अगर वो पूछते हैं कि इंटर्नशिप के बारे में कुछ भी पूछते हैं कि टेल अस अबाउट इंटर्नशिप कहाँ पे करी है, तो आप एनटीपीसी में बता देना मैंने एनटीपीसी में करी है। और सेल में बता सकता हूँ क्या सर कि शायद जैसे 15 दिन कि का है, 15 दिन में कुछ सीखा होगा नहीं आपने, वो हाँ वो तो है सर पूछ यार। लेंगे तुमसे 10-15 सवाल, तुम बता नहीं पाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो बताओ एनटीपीसी का ही। देखो इंटर्नशिप आपने कहाँ करी है, आप पहले अपने दिमाग से ये निकाल दो कि आपको पेट्रोलियम या पेट्रोलियम रिलेटेड सेक्टर से इंटर्नशिप करनी थी, और नहीं करी तो नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने चाहे इंटर्नशिप में करी है, चाहे कोल इंडिया में करी है, चाहे एक जूते बनाने की फैक्ट्री में इंटर्नशिप करी है, चॉकलेट बनाने की फैक्ट्री में इंटर्नशिप करी है,
गन्ना फैक्ट्री में इंटर्नशिप करी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटर्नशिप इंसान वहीं से करता जहाँ पे उसे मिले, क्योंकि हमारे देश में इंटर्नशिप मिलना भी आसान नहीं है, इंटर्नशिप के लिए भी अप्रोच लगवानी पड़ती है, और ये चीज उन इंटरव्यूअर को भी पता है जो वहाँ बैठे है। तो आप सिंपली इसका जवाब बड़े आसान तरीके से दे सकते हो कि मैंने कई जगह इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया बट मुझे एक जगह से कंफर्मेशन आई, दैट इज एनटीपीसी एंड दैट इज व्हाई आई डिड माय इंटर्नशिप इन द एनटीपीसी। तो इट वाज नॉट ए केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज बट दैट इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल अवेलेबल टू मी, सो दैट इज व्हाई आई वेंट देयर। एक सिंपल सा आंसर है, जिस देश में अपॉर्चुनिटीज का इतना बड़ा अभाव है वहां पर अगर आप कुछ कर रहे हो तो ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव होता है। सामने वाला कहेगा चलो कुछ तो कर रहे हो, बेकार तो नहीं बैठे, अनएम्प्लॉयड तो नहीं हो, कम से कम अपने लायक तो हो गए। इस तरह इंटर्नशिप में भी ऐसा तो नहीं है कि नहीं करी आपने, करी तो कम से कम करी थी, यस सर, है ना। तो इस सेंस में सोचो, जब तक आपके मन के अंदर खुद में प्राइड नहीं आएगी ना, तब तक सामने वाला प्राइड नहीं करेगा। लाइक केमिकल इंजीनियरिंग जब हमने ज्वाइन की थी तो हम खुद ही बड़ा डाउन फील करते थे, हम तो केमिकल इंजीनियर है। जब तक हम खुद अपने ऊपर प्राउड फील नहीं करेंगे तो सामने वाला भी नहीं करेगा। इन द सेम वे अगर तुमने एनटीपीसी में इंटर्नशिप करी है, माना कि ये केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री नहीं थी बट तुम्हें केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री में इंटर्नशिप नहीं मिली, इसमें तुम्हारी गलती है कि सिस्टम की गलती है? सिस्टम की गलती है, तुम्हारे कॉलेज को दिलवानी चाहिए थी, नहीं दिलवा पाया तो कॉलेज का फेलियर है, ये बच्चे का फेलियर नहीं है। तुमने तो फिर भी अपनी तरफ से हाथ पैर मारे और तुमने ली, तुम बोलो कि मैंने तो बहुत एफर्ट किए सर, कॉलेज के डीपीओ को बोला, कॉलेज के प्रिंसिपल को बोला, एचओडी को बोला, कोई मेरी हेल्प नहीं कर पाया, कई जगह मैंने लेटर्स लेके, कहीं से कंफर्मेशन नहीं आया। भले तुमने किसी को ना बोला हो लेकिन आपकी स्टोरी ऐसी होनी चाहिए ना सामने, इमोशनल, कि मैंने बहुत एफर्ट्स किए, बहुत स्ट्रगल्स किए, बट फाइनली जब मुझे कहीं से अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो एनटीपीसी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तो मुझे एंड में वही वही जाना पड़ा। तो अपनी स्टोरी में ना एक इमोशनल एंगल जरूर डाल दो, उससे इम्पैक्ट पड़ता है। इंटरव्यू इज ऑल अबाउट कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। अगर आप खुद को प्रेजेंट अच्छे से करोगे, थोड़ा इमोशनल वे में, जिसमें आपके पीछे एफर्ट्स दिखेंगे, स्ट्रगल्स दिखेंगे, चैलेंजेस दिखेंगे, सामने वालों लगता है हाँ भाई बंदा आया ना, मतलब मेहनत करके आया। अगर ऐसा लगेगा अरे इसको तो सब कुछ थाली में मिल गया, तो फिर इंटरव्यू के मार्क्स की भी कम मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। तो अपने हर क्वेश्चन का थोड़ा एंगल बदल के एक स्टोरी के साथ, तो एनटीपीसी मिली तो मिली, कम से कम करी तो, यस, तो उसके बारे में आप बस पढ़ के जाना। इंटरव्यू के अंदर मेंशन मत, इंट्रोडक्शन के अंदर मेंशन मत करना, ना शेल के बारे में ना एनटीपीसी के बारे में, बट अगर पूछा गया तो ओवरऑल क्या थी इंटर्नशिप वो एक बार बता देना, 4-5 लाइन्स के अंदर वो आपको पता होना चाहिए। डिटेल में वो भी नहीं पूछेंगे और डिटेल में आपको भी नहीं बताना पड़ेगा, बट ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू डिड इन द एनटीपीसी। ओके सर, थैंक यू। Yes, सर, मेरा क्वेश्चन था कि अगर वो एमटेक के बारे में पूछे तो क्या बोलना चाहिए। मैं फर्स्ट ईयर एमटेक का स्टूडेंट हूँ आईआईटी बॉम्बे से, तो मुझे क्या बोलना चाहिए? एमटेक तो अभी आपने करी नहीं ना, फर्स्ट ईयर के अंदर हो, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हो। यस सर। तो आप नहीं भी मेंशन करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, एमटेक उन्हें मेंशन करना कंपलसरी है जो सेकंड ईयर के अंदर है या जो पास हो चुके हैं, क्योंकि उनका गैप ईयर है, आपका गैप ईयर थोड़ी ना है। आपने तो इसी साल गेट दिया, पर इस साल गेट देने के बाद आप जो बाकी के पी एस यू ग्रेड एग्जाम्स थे आपने उसकी प्रिपरेशन करी, और फिर उसके बाद जब आपके पास इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी है तो आपने इंटरव्यू दिया, आपका गैप ईयर तो है ही नहीं, तो आपको क्या नीड है एमटेक के बारे में मेंशन करने की? कोई नीड नहीं है, तो डोंट मेंशन, कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि आईआईटी बॉम्बे में हो तो कोई एनओसी वगैरह तो कुछ चाहिए नहीं है, कोई एसएच रजिस्ट्रेशन वगैरह, कोई पीएफ नंबर तो जनरेट हुआ नहीं है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आप बस सिंपल बोलो कि मैंने अगर जर्नी पूछे तो आप भाई आपने गेट किया, गेट देने के बाद आपने रिजल्ट का वेट किया, फिर आपने जो बाकी के पी एस रिटन एग्जाम्स थे उन सबकी प्रिपरेशन करी, फाइनली इंटरव्यू प्रिपरेशन करी, खत्म। नो नीड टू मेंशन अबाउट आईआईटी बॉम्बे। जो भी बच्चा फर्स्ट ईयर में है उसे एमटेक के बारे में मेंशन करने की नीड नहीं है। अगर वो पूछते हैं खुद से, तुम खुद से कुछ मत बोलो, अगर वो पूछते हैं कि तुम्हारा तो इतना अच्छा रैंक था तो तुमने एमटेक क्यों नहीं ज्वाइन की, तो उस केस में तुम बोल सकते हो सर फॉर द सेफ साइड मैंने एमटेक ज्वाइन की हुई है इन आईआईटी बॉम्बे या इन आईआईटी दिल्ली, इन आईआईटी मद्रास, बट माय अल्टीमेट गोल इज टू गेट इनटू पीएसयू। क्योंकि वो भी समझते हैं कि पीएसयू का इंटरव्यू होगा कब, मान लो अक्टूबर में सपोज या सितंबर में, रिजल्ट कब आएगा नवंबर में, ज्वाइनिंग कब होगी दिसंबर में,
अब मान लो दिसंबर में जॉइनिंग नहीं हुई तो तुम्हारा तो 1 साल खराब हो गया। तो कोई पर्सन इस अनप्रडिक्टेबल चीज के पीछे अपना 1 साल तो खराब नहीं करेगा ना, कि मान लो तुम्हारा अच्छा रैंक होने के बाद में नहीं हुआ सिलेक्शन तो क्या 1 साल खराब। तो दैट इज वाई हर बच्चा सेफ साइड के लिए एमटेक ज्वाइन करता ही है। तो तुम्हें इसी तरह से बताना है कि सर द एडमिशंस ऑफ एमटेक बिगेन इन अप्रैल बट द इंटरव्यू प्रोसेस ऑफ द पीएसयू वाज टू लेट, है ना, एंड बिकॉज ऑफ द अनप्रडिक्टेबिलिटी आई हैव टू ज्वाइन इन मास्टर्स, सो दैट इज वाई आई ज्वाइन आई आई टी बॉम्बे एज पर दिस रैंक। बट आफ्टर ज्वाइनिंग द आई आई टी बॉम्बे ऑल्सो माई अल्टीमेट गोल वॉज टू गेट इन टू पी एस यू। दैट्स वाई आफ्टर द कॉलेज एवरी डे आई स्टडी फॉर 2 to 3 hours फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पी एस यू इंटरव्यू। तो फिर उन्हें समझ में आएगा हाँ कि इसने ज्वाइन तो करी है बट ये आना आई ओ सी एल में ही चाहता है। तो इस तरह से आपको बताना है। ऑब्वियसली कोई भी स्टूडेंट रिस्क नहीं कर सकता अपना 1 साल ओवर ए इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 100% नहीं है, ये वो भी समझते हैं तुम भी समझते हो, बस वो तुमसे सुनना चाहते हैं कि तुम इस सिचुएशन को प्रेजेंट कैसे करते हो। ठीक है, तो अच्छे से प्रेजेंट करो विद एन इमोशनल एंगल तो बात बन जाएगी। खुद से मत बोलो, अगर वो पूछेंगे कि तुमने एमटेक क्यों ज्वाइन नहीं की तब बोलना कि सर हमने ज्वाइन कर ली है, बट खुद से आपको बोलने की नीड नहीं है कि मैं एमटेक के अंदर हूँ। ओके सर, मैंने एनपीसीएल के इंटरव्यू में बताया था। बोलो। यस सर, सर मेरा बीटेक एंड एमटेक में 2 साल का गैप है जिसमें मैंने टीचिंग करी है। यस। तो सर शुड आई मेंशन दिस इन बायोडाटा, बिकॉज सर दिस टीचिंग एक्सपीरियंस आई हैव नॉट मेंशनड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, सो डू दे चेक इट? कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ चेक नहीं होता है। इंटरव्यू के अंदर आप जो बोलोगे वही मैटर करता है। तो जो भी अपना गैप ईयर है आप टीचिंग से जस्टिफाई कर सकते हो, और टीचिंग के साथ साथ जो भी आपकी कंडीशन उस टाइम रही है जिस वजह से आपने वो छोड़ा है तो वो भी आप बता सकते हो, है ना। जो भी आपकी एक्चुअल स्टोरी रही है आप वो बता सकते हो कि ये रीज़न था जिस वजह से मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया और इस वजह से फिर मैंने टीचिंग करी और अपने पैरों पर मैं स्टैंड हुआ। तो ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। जो भी आप लोगों के साथ स्टोरीज़ है जिस वजह से आपका गैप ईयर आया है आपको वो स्टोरी जरूर बतानी चाहिए, उसका फर्क पड़ता है। सर वन थिंग मोर, सर सर माय बीटेक प्रोजेक्ट वाज अंडर बायोटेक डिपार्टमेंट जिसमें मैंने सेपरेशन ऑफ हैवी मेटल्स किया, तो सर वो बायोटेक का है, सो शुड आई मेंशन दिस इन माय इंट्रो, शुड आई ड्राइव माय इंटरव्यू टुवर्ड दिस और नॉट? नो, आइडियली नो, आप ये मेंशन मत करो। आप अपने इंटरव्यू इंट्रोडक्शन के अंदर अपने फेवरेट सब्जेक्ट मेंशन करो, एंड माय फेवरेट सब्जेक्ट्स आर मास ट्रांसफर हीट ट्रांसफर। प्रोजेक्ट अगर वो पूछेंगे तो फिर तुम बता देना, रेडी रहना तैयार करके जाना, बट अपने इंट्रोडक्शन मेंशन मत करना। हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो ना पूछे, बट अगर पूछेंगे तो ओवरऑल तुम उनके लिए रेडी रहना जो 2-3 क्वेश्चन वो पूछेंगे, बट खुद से अपना प्रोजेक्ट बीच में इंट्रोड्यूस मत करो। ओके सर, वन लास्ट थिंग सर, सर मैंने अपने बीटेक के दौरान आई हैव आल्सो डिड एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, सो शुड आई टेल देम अबाउट दिस? हाँ, अपने इंट्रोडक्शन में अंदर है बताना ये चीज। तो वो एनसीसी के बारे में पूछेंगे, एनसीसी में क्या क्या होता है, क्या एक्टिविटीज है, कैसे होता है, वो सब पूछेंगे आपसे, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो यू शुड मेंशन दिस इन योर इंट्रोडक्शन डेफिनेटली। इसके अलावा किसी को भी अगर मान लो कोई लिखता है राइटिंग करता है तो वो मेंशन करो, कोई अच्छा गाता है तो वो मेंशन करो, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो वहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हो तो वो मेंशन करो। हो सकता है कि वो चीज़ आपसे पूछे या चीज़ आपसे वहाँ पे परफॉर्म करने के भी बोले, सो वो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा आपका। और अगर वो अच्छे से परफॉर्म कर दोगे तो काफ़ी अच्छे चांसेस है कि वो आपको सिलेक्ट भी कर ले। तो किसी भी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है ऐसी एक्टिविटी जो वहाँ पे परफॉर्म हो सकती है तो उस चीज़ को भी आप इंट्रोडक्शन में ज़रूर मेंशन करो। जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हो, जिस स्टेट से आप हो, उस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है, उसकी कोई भी खास बातें, वहाँ की फेमस चीज़ क्या है, अगर उसकी कोई हिस्ट्री जुड़ी हुई है तो वो हिस्ट्री आपको पढ़ के जानी है। जैसे माई होम टाउन इज़ पानीपत, तो मैं जब इंटरव्यू में जाऊँगा तो पानीपत के 3 लड़ाइयों के बारे में पढ़ के जाऊँगा, क्योंकि काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि उसके बारे में पूछा जाए। माई स्टेट इज़ हरियाणा, और हरियाणा से इस समय क्या फेमस चल रहा है कि भाई यहाँ से बहुत ओलंपियंस निकल रहे हैं,
तो काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी में उससे पूछा जाएगा कि हरियाणा में ऐसा क्या हो रहा है कि इतने ज्यादा स्पोर्ट्स प्लेयर निकल रहे हैं, तो मुझे उसके बारे में पढ़ के जाना है। तो अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने स्टेट के बारे में जो भी मेन बातें हैं, है ना, वो आपको पढ़ के जानी है, क्योंकि जैसे आप अपना डिस्ट्रिक्ट या स्टेट मेंशन करोगे तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो उसके बारे में कुछ पूछे, वो चीज़ भी आपको ज़रूर पढ़ के जानी है। ओके सर। यस आर्यन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मेरा डाउट भी प्रोजेक्ट रिगार्डिंग ही था। एक्चुअल में मेरा प्रोजेक्ट सीएस प्लस केमिकल का मिक्स था। इट वॉज अबाउट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स फॉर हाइड्रोजन स्टोरेज प्रिडिक्शन। तो सर मैं इसे मेंशन करूं या नहीं करूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क जो था वो प्रोग्रामिंग पे ही था। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है प्रोजेक्ट की तो आप बता सकते हो जिस प्रोग्रामिंग के ऊपर आपने किया है, जो लैंग्वेज आपकी है उस लैंग्वेज के बारे में आपको नॉलेज हो, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि वो उसके बारे में पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क। ओके सर। एंड वन मोर थिंग सर, इन स्पाइट ऑफ जॉइनिंग एमटेक मैंने टेक्निप एनर्जीज में प्लेसमेंट लिया, बट अभी सर उसमें मुश्किल से 10-20 दिन ही हुए ज्वाइन किए हुए, तो इंट्रो में इसे नहीं मेंशन करूं या करना चाहिए स्पेसिफिकली? कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, इसका ना तो कोई प्लस होगा ना माइनस होगा। अच्छा। कोई प्लस माइनस नहीं होगा, ना ही करो तो अच्छा है। ओके सर। मत ही करना, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस अभी हुआ नहीं है, पूछेंगे तो तुम बता नहीं पाओगे, तो कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है मत करना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके थैंक यू सर। ओके अभिषेक, तुम कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? तुमने हैंड रेस किया हुआ है। तो सर मैं ये बोल रहा था कि एनपीसीएल के इंटरव्यू में मैंने एमटेक के बारे में बताया था, मेंशन किया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया एमटेक में, उससे रिलेटेड बहुत कुछ पूछने लगे कि तुम्हारा क्यों एमटेक नहीं करना चाहते हो। तो मैंने ऐसा बताया था कि मेरा एकेडमिक में इंटरेस्ट नहीं है मेरा, पर क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मुझे गेन करना है। तो ऐसा कुछ लेके बहुत लोग सवाल पूछने लगे थे मुझसे। हर चीज का एक सिंपल जवाब होता है और हर चीज का एक घुमा फिरा के जवाब होता है। जब तुम घुमा फिरा के एक स्टोरी बना के जवाब दोगे ना, तुम खुद सोचोगे कि तुम उनकी जगह बैठे हो और सामने वाला बोल रहा है कि हाँ मैंने एमटेक ज्वाइन कर ली है, तो डेफिनेटली वो आगे पूछेगा ना कि तुम भाई एमटेक कंटिन्यू कर ले फिर, तो यहाँ क्यों आया है। बट अगर तुम उसे जचा दोगे पूरी बात कि मैंने गेट का एग्जाम दिया, माई अल्टीमेट गोल वॉज टू गेट इन टू PSU, आई वॉन्ट गुड अपॉर्चुनिटी, गुड बैकअप, गुड सिक्योरिटी, गवर्नमेंट जॉब इन माई लाइफ, आई वॉन्ट टू बिकम ए गवर्नमेंट ऑफिसर, बट सिंस at that time there were no notifications, no interview calls available, so the only opportunity available to me was MTech. So I had to join MTech since there was no other opportunities available at that time. Because getting into PSU is not a 100% probable event. So I had to get into MTech. But even after joining MTech, after coming to college, I always give 2 to 3 hours, 4 hours for the preparations of technical, so that whenever the interview opportunity comes, I can perform. And when I got the news of the Indian Oil interview, I just gave my 100% to that, because my ultimate target is to get into IOCL. तो इसके अंदर ही मैंने यही बताया कि मैंने एमटेक ज्वाइन कर ली, बट इस तरह से बताया है कि मैं एमटेक ज्वाइन कर ली मजबूरी में, मैं करना नहीं चाहता था। तो उन्हें ये तुम्हें बताना है, उन्हें नहीं सपना आएगा, तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुमने जो काम किया वो मजबूरी में किया है, तुम करना नहीं चाहते थे। उन्हें अगर तुमने ये चीज़ समझा दी तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे प्रेजेंट कर रहे हो खुद को। इंटरव्यू इज ऑल अबाउट प्रेजेंटिंग यूर सेल्फ, तो प्रेजेंट यूर सेल्फ वेल, अपनी बात रखना सीखो। उसी के लिए तो कह रहा हूँ कि आज से प्रैक्टिस करो हर चीज़ की, मिरर के सामने एक एक चीज़ की प्रैक्टिस करो। जो भी तुम्हारे दिमाग में डाउट है उसका आंसर लिखो, मिरर के सामने बैठो और बोलो, डेली बोलो, सो दैट जब तुम रियल लाइफ में उनके सामने बोलोगे तो तुम्हारे आंसर में कोई झिझक ना हो, कोई संदेह ना हो, कोई डाउट ना हो। इतने प्रैक्टिस करके बैठो। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंटरव्यू की प्रिपरेशन आज से शुरू हो गई है, आज से लेके जिस दिन इंटरव्यू उस दिन तक डेली आपको प्रिपरेशन करनी है। डेली इंडियन ऑयल की वेबसाइट चेक करो, डेली GD की प्रैक्टिस करो, डेली अपना प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ो, इंटर्नशिप के बारे में पढ़ो, आधा आधा घंटा हर चीज़ को दो, 3-4 घंटे डेली बेसिस पे इन्वेस्ट करो। ऊपर वाले को तो लगना चाहिए ना कि हाँ बंदा तैयारी करके आया है, ये थोड़ी कि एक दिन पहले पढ़ लिया और पहुँच गया इंटरव्यू में, उठा के और हो गया सिलेक्शन, ऐसे नहीं होता है। आपके जो फेस पे कॉन्फिडेंस दिखेगा
वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब तुमने 30 दिन तक इंटरव्यू की लगातार प्रिपरेशन की होगी, बिकॉज जितनी तुम प्रिपरेशन करोगे उतना कॉन्फिडेंट फील करोगे. सो द मोर यू प्रिपेयर द मोर यू विल बिकम कॉन्फिडेंट, द मोर यू विल बिकम कॉन्फिडेंट द मोर यू कैन गिव द बेटर आंसर्स. ठीक है, तो ये सिंपल सा रूल है. तो आज से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो हर एक डाउट की, जो डाउट तुम्हें सता रहा है आज से उसकी प्रिपरेशन कर लो. ओके सर. यस मयंक. ओके मयंक इज डिस्कनेक्टेड आई थिंक. यस समीर. सर कैन यू हियर मी? यस मयंक आई कैन हियर यू. यस गुड इवनिंग सर. सर एक्चुअली मैंने 2022 में बीटेक कंप्लीट किया था, बट ड्यूरिंग दैट टाइम आई कंप्लीटेड माय समर इंटर्नशिप फ्रॉम कॉलेज इटसेल्फ. तो उस चीज को कैसे करेंगे टैकल? एंड वन मोर क्वेश्चन कि लास्ट 2 ईयर से मैं कंसल्टेंसी फर्म में काम कर रहा हूँ एंड द क्लाइंट आई एम वर्किंग ऑन इज अ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर टू IOCL. एंड सो वो चीजें मेंशन कैसे करेंगे वगैरह, या फिर रिवील नहीं करनी है इन चीजों को? नहीं, पहली चीज आपने कॉलेज में इंटर्नशिप की है, तो कॉलेज में इंटर्नशिप आपने की है क्योंकि इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करने की अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिली. राइट. आपके पास कोई अप्रोच नहीं थी, आपके पास कोई रेफरेंस नहीं थी, आपने बात करी कई लोगों से, सीनियर से बात करी, एल्यूमिनाइज से बात करी, लिंक्डइन पे अप्रोच किया, बट आपको वो अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्री में काम करने की नहीं मिली. व्हाट यू कैन गेट इज कि आप कॉलेज इंटर्नशिप कर लो, तो आपने वो करी. तो पहले तो आप अपने आप को ये समझाओ, फिर सामने वालों को समझा देना. ठीक है, तो दिक्कत यहाँ पे खत्म हो जाएगी. दूसरी बात, कॉलेज में जो भी इंटर्नशिप आपने करी, जो भी किया, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि लेट से अगर आपसे पूछा कि कॉलेज में क्या किया इंटर्नशिप में, तो तुम बता तो पाओ क्या किया. ठीक. तो किया होगा, भले कुछ ना किया हो, रिपोर्ट तो मिली होगी सबमिट करने के लिए, तो रिपोर्ट ही पढ़ के चले जाना अच्छे से, है ना. ओके. तो 4-5 लाइन का एब्स्ट्रैक्ट आपको रेडी रखना है सो दैट इंटर्नशिप के बारे में आप बता पाओ. ठीक है. अब दूसरी चीज, आप पिछले 2 साल से कंसल्टेंसी में काम कर रहे हो. काम क्यों कर रहे हो? क्योंकि बीटेक पास होने के बाद आपका गेट में उतना अच्छा रैंक नहीं आया कि आपको इंडियन ऑयल में सिलेक्शन हो जाए. 1 साल बाद भी नहीं आया, तो अब आपको मौका मिला है क्योंकि आप पिछले 2 साल से मेहनत कर रहे थे, रिग्रेस मेहनत जॉब के साथ साथ कर रहे थे. कुछ लोग होते हैं ड्रॉप करके करते हैं, लेकिन आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था, आपको खुद को सपोर्ट करना था, आपको अपने पैरों पर खड़े होना था, अपने घर का खर्चा उठाना था, तो इसलिए आपको जॉब करनी पड़ी. जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिली आपने की, बट क्योंकि आप PSU में जाना चाहते थे इसलिए आपने अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़ी. आप लगातार प्रिपेयर करते रहे, करते रहे, करते रहे, और इस साल आपको एक इतना अच्छा रैंक मिला है कि आपको इंडियन ऑयल में इंटरव्यू देने का मौका मिला है. एंड यू वॉन्ट टू ग्रैब इट बाई बोथ हैंड्स, आप इसे छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए आपने पिछले 1-1.5 महीने से, जब से नोटिफिकेशन आई है तब से, डेली बेसिस पे हमने 3-4 घंटे इसको दिए हैं सो दैट आप इसे क्रैक कर पाओ. दैट्स द स्टोरी. आपको उन्हें बतानी है, समझानी है, बस अगर आप समझा पाए तो मैटर ही नहीं करता आप कंसल्टेंसी में उनके कंपटीटर से काम कर रहे हो, उससे काम कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर. ओके थैंक यू. ठीक है. तो कगोर मयंक, कहीं ना कहीं ऐसा हुआ भी होगा, सच्चाई भी होगी, है ना, तो आप उस पर बिलीव करो पहले. And then the others will believe on it. ठीक है. Because obviously बात है ना, यार खाली थोड़ी बैठेंगे. बीटेक के बाद अगर हमें जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है कहीं पर, तो हम करेंगे ना जॉब. अब हमारा इस पर अब बात पे बस थोड़ी चलता है कि जो हमारा क्लाइंट है वो इंडियन ऑयल का कंपिटिटर है. हमारा इस पर बस थोड़ी चलता है, और कंपिटिटर है भी तो आपके लिए तो प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपको उस एरिया की इन्फॉर्मेशन है जिस एरिया में इंडियन ऑयल काम कर रहे हैं. तो इंडियन ऑयल के लिए तो आप एक एसेट हो सकते हो. अगर मेरा कोई राइवल है और उस राइवल के यहाँ पे कोई काम कर रहा है और वो मेरे यहाँ पे आ जाएगा, तो मेरे को तो प्लस मिलेगा ना, उसे माइनस थोड़ी मिलेगा. इट्स ए बेटर थिंग, गुड थिंग, है ना. तो बी कॉन्फिडेंट, जो भी है उन्हें अच्छे से एक्सप्रेस करना, बात करना, एंड डेफिनेटली आपके लिए ये चीज़ एक प्लस पॉइंट की तरह जाएगी, माइनस की तरह नहीं जाएगी. ओके सर, थैंक यू सर. थैंक यू. यस समीर. सो गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. सो सर, मेरा ये डाउट है कि ड्यूरिंग माय बीटेक मैं 2021 पास आउट था, फिर मैं 3rd ईयर में सर कोविड के वजह से बाहर अपॉर्चुनिटीज मिली नहीं, तो और इंटर्नशिप करना मैंडेटरी था, तो उस समय ऑनलाइन ISCHE की इंटर्नशिप चल रही थी पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंजीनियरिंग में. तो
तो वो मुझे मेंशन करना चाहिए ना? डेफिनेटली यार, डेफिनेटली करना अच्छा ओके okay. वो मैंने मेंशन किया है, थैंक यू सर। और उसके लिए मैं जो आप लोगों ने पढ़ाया है वो पेट्रोलियम रिफाइनरी पूरी अच्छे से तैयार कर लूँ। ओके सर, दूसरा मुझे डाउट था ये सर कि सर 2022 में फिर मतलब मैंने प्रिपेयर करके अगेन प्रिपेयर करा था गेट के लिए और फिर मास्टर्स में एडमिशन लिया था और फिर मैंने इस ईयर 2024 में मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो गई सर वहाँ से। तो सर यहाँ पे मैंने क्या मैं अपने एमटेक का प्रोजेक्ट में यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ जो कि बैटरीज पे था सर, सोडियम आयन बैटरीज थी, कैथोड मटेरियल्स? मेंशन मत करो, डेवलप करो, मेंशन मत करो, लेकिन आपने एमटेक की है अगर वो पूछेंगे तो डेफिनेटली आप बताना, अंडरटेकिंग में जो भी आपने फॉर्म भरा होगा वहाँ पे आपने मेंशन किया होगा, ठीक है? ओके सर, इंट्रोडक्शन के अंदर मेंशन मत करो। हाँ सर, मैं इस पे पूछ रहा था जो इन्होंने बायोडाटा फॉर्म दिया ना, ब्रीफ डिटेल्स अबाउट प्रोजेक्ट, क्योंकि फिर वहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ, वहाँ मेंशन कर दो। इंटरव्यू के अंदर okay, जब आप बैठोगे अपना इंट्रोडक्शन दोगे तो वहां पर एमटेक या एमटेक का प्रोजेक्ट वहां मेंशन मत करना, जो भी मेंशन करना बीटेक का मेंशन करना। ओके सर, अगर आपसे पूछेंगे लेट्स से उनका बायोडाटा, तो आपका बायोडाटा उनके हाथ में होता ही है, yes, अगर आपका बायोडाटा देख के वो बोले तुम तो मास्टर्स भी कर रखी है, मास्टर तो तुम्हारा प्रोजेक्ट था, तो बोलो हाँ सर ये मेरा प्रोजेक्ट था, तो अगर उसके बारे में कुछ पूछते तो बता देना, दे हैव टू इनिशिएट, उन्हें इनिशिएट करने दो, तुम खुद से मत इनिशिएट करो। ओके सर, हो सकता है कि मास्टर्स की बात ही ना उठे, तुम्हारा सारा इंटरव्यू एमटीएसटी पे ही हो जाए और तुम देके निकल लो, पॉसिबिलिटी। ओके सर, ठीक है, तो खुद से मत करो। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। यस ऋषि, हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैंने मतलब सर इंटर्नशिप आईयूसीएल से करी थी सर, 6 वीक्स की सर, बायोडेटा में वो सर पूछ रहे हैं कि मतलब इंटर्नशिप के बारे में, तो सर मतलब मुझे सर इंट्रोडक्शन में आईयूसीएल की इंटर्नशिप मतलब सर बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए? इंडोनेशिया में करिए तो बतानी चाहिए, ये तो बतानी ही चाहिए, क्यों नहीं बतानी चाहिए, डेफिनेटली बतानी चाहिए। और सर बीटेक प्रोजेक्ट के बारे में, मतलब सर मेरा बीटेक प्रोजेक्ट था, की नीड नहीं है, तुमने आईयूसीएल में इंटर्नशिप करी है, तुम इंट्रोडक्शन में इंटर्नशिप बताओगे और 90% प्रोबेबिलिटी है तुम्हारा पूरा इंटरव्यू इंटर्नशिप के ऊपर ही चलेगा, प्रोजेक्ट तक पहुंच ही नहीं पाओगे। मतलब सर बाकी सर टेक्निकल चीजें वो सब करूं मैं सर की? करना तो सब कुछ है, यस सर, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं तुम्हारा जो मैक्सिमम इंटरव्यू चलेगा वो इंटर्नशिप के ऊपर ही चलेगा, क्योंकि तुमने इंडियन ऑयल से ही इंटर्नशिप करी है, यस सर, बट प्रिपेयर तो सब कुछ करके जाना है, पढ़ना तो सब कुछ है। और सर एक डाउट और था सर, मतलब सर कम्युनिकेशन में सर मतलब ऐसे लैंग्वेज का कोई सर प्रॉब्लम तो नहीं होता, मतलब जीडी जीटी पीआई अगर सर अपनी मतलब मदर टंग में दे दो? मदर टंग में दे दो, बट मदर टंग आजकल बच्ची का है, मैं तुमसे इतनी देर से बात कर रहा हूँ तो मैं ना तो हिंदी में कर पा रहा हूँ ना इंग्लिश में कर पा रहा हूँ, आजकल हम सबके लैंग्वेज इंग्लिश हो गई है, यस सर, तो मदर टंग की तो बात ही नहीं है ना, मदर टंग तो ना तुम्हें आती होगी ना मुझे आती है, मतलब मींस वही सर, मतलब ये मतलब जरूरी नहीं कि बोलचाल की भाषा है, यस सर, यही बोलना चाह रहा हूँ, जो बोलचाल की भाषा उसके अंदर देना है, तो रिकमेंडेड तो यही रहेगा कि अगर आप इंग्लिश में बात कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है पहली चीज, लेकिन अगर उसमें कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो तो डेफिनेटली जो आपकी बोलचाल की भाषा है आप उसमें दे सकते हो। मींस सर जीडी जीटी में तो मतलब सर वो कैसे होगा, मतलब उसमें तो सर आधे सर इंग्लिश में होंगे सर, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती? देखो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, तुम्हारे पॉइंट्स में दम होना चाहिए, अगर तुम्हारे पॉइंट्स में दम है तुम अपनी बात रख पा रहे हो तो वो मैटर करता है, इट डजेंट मैटर कि सामने वाले इंग्लिश में बोल रहे हो तुम हिंदी में बोल रहे हो तो तुम डाउन हो गए हो, ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश में बोलने के कोई मार्क्स नहीं है इंडियन ऑयल में, कोई मार्क्स नहीं है, जीरो मार्क्स है, अगर कोई बंदा पूरा इंटरव्यू इंडियन ऑयल में देता है जीडी जीटी इंग्लिश में देता है तो ऐसा नहीं है उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसका कम्युनिकेशन अच्छा होगा उसे मार्क्स मिलेंगे, और कम्युनिकेशन स्किल्स और लैंग्वेज स्पीकिंग ये दोनों अलग अलग बातें होती है, ठीक है, इन दोनों को मिक्स मत करो, तो अगर आप कॉन्फिडेंट फील करते हो बोल चाल के लैंग्वेज में तो आप उसी में दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि कल इंडियन ऑयल का इंटरव्यू नहीं है, इंडियन ऑयल के इंटरव्यू में भी टाइम है, तो क्यों ना आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो ना इस चीज की, आप जब डेली बेसिस पे ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो तो कोशिश करो कि इंग्लिश में दो, यहाँ पे तो कोई जज नहीं कर रहा ना, आप कोशिश करो इंग्लिश में दो, क्या पता विद इन 30 डेज आपकी इतनी फ्लुएंसी आ जाए कि आप वहां बैठकर इंग्लिश में जीडी दे पाओ। Yes, sir. अभी से क्यों सोचना है कि
कि नहीं मैं तो मदर टंग में ही दूंगा, मैं तो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हूं, अभी से क्यों सोच रहे हो? अगर लास्ट डे तक भी तुम कंफर्टेबल नहीं हुए तो दे देना मदर टंग में, बट अभी तो प्रिपेयर किया जा सकता है ना, सीखी जा सकती चीजें। यस सर। तो व्हाई नॉट कि तुम इसे एक चैलेंज की तरह लो, है ना, और आज से प्रैक्टिस करना शुरू करो सो दैट लास्ट डे तक तुम फुली रेडी हो जाओ। नहीं सर, मेरा मतलब इंटरव्यू भी सर 4 सितंबर में है, तो अभी तो टाइम है 4 सितंबर में, 20 दिन तो है। यस सर। 10 दिन, दो हफ्ते है। यस सर। 2 वीक्स, तो 2 वीक्स का टाइम है, करो आप 2 वीक्स तक तैयारी, क्या दिक्कत है, जितना कर सकते। सर थैंक यू सर। ओके, एनीबॉडी एल्स? नहीं नहीं सर। यस अजय बोलो। सर एमटेक के बाद 2 साल गैप है तो सर इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? कुछ तो किया होगा हमने 2 साल में। यस सर, हम हेल्डर टॉस में जॉब करते हैं सर, लेकिन बताया नहीं वहां पे। कहां जॉब करते हो? हेल्डर टॉस में। हां तो बताओ ना फिर। यस सर, एमटेक में बुक बता दिए थे तो उसी से पूरा पूछे थे, फिर वहां पे बता नहीं पाए थे, इसीलिए नहीं आ पाए। अरे तो बताना तो पड़ेगा ना जहां पे आप जॉब करते हो, और आप हेल्डर तोपसे की बात करोगे तो सब कुछ आपसे हेल्डर तोपसे के बारे में पूछेंगे। हां, यूनिट में आप काम कर रहे हो, यूनिट्स के बारे में पूछेंगे तो आपको बताना भी पड़ेगा, क्योंकि आप 2 साल गैप नहीं दिखा सकते यार। 2 साल का गैप, पहले तो एमटेक, फिर 2 साल, और अप्लाई आप कर रहे हो बीटेक के बेसिस पे, डजंट मेक सेंस ना। तो आपको बताना तो पड़ेगा। अब वो आपके ऊपर है कि आप जिस यूनिट में काम कर रहे हो उस यूनिट के बारे में अच्छे से पता करके जाओ, सो दैट उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपसे पूछी जाए आप उसका आंसर करो। आप इस बात को छिपा नहीं सकते हो, तो अभी से रेडी करना शुरू कर दो, जो जो चीज़ें आपकी यूनिट में हो रही है उसके बारे में इन डेप्थ आपको पता हो। सर लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म जब सर भरे थे तो वहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस में नो लीजिए, अभी बताएंगे तो दिक्कत नहीं होगा। फिर से बोलो। जब सर एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे तो वहाँ पे पूछा था वर्क एक्सपीरियंस है इतनी, तो हम वहाँ पे लिख दिया नो, मतलब कोई एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी लिखा हो डजंट मैटर, इंटरव्यू के अंदर आप जो बताओगे वो मैटर करता है। सर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एप्लीकेशन फॉर्म एडिट हो सकता है तो एडिट कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं, इंटरव्यू के अंदर बता देना। हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो, बोल रहे सर? विकास। यस सर, बोलो सर। मेरा बीटेक के बाद 1 साल का गैप है, मतलब 20 इस साल में, मतलब मैं गेट की प्रिपरेशन किया तो उस साल को मतलब कैसे जस्टिफाई करूं सर? 1 साल का गैप है बीटेक के बाद। हां मतलब 2023 में पास आउट हो चाहे कोई दिक्कत नहीं, आई प्रिपेयर्ड फॉर द गेट अगेन, पहली बार दिया 4th ईयर में नहीं हो पाया, आई टुक कोचिंग एंड प्रिपेयर्ड अगेन, वेरी सिंपल। 1 साल का गैप हर कोई समझता है कि 1 साल तो लगता ही है तैयारी करने में। ओके सर, और मैं इंडियन ऑयल में ही वो इंटर्नशिप किया हूँ, तो फिर उसको मेरे हमारे में मतलब सारे का रिफाइनरी का ओवरव्यू दिखा दिया था, मतलब ऐसे इट्स पर्टिकुलर यूनिट में नहीं दिखाया था, तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री तो पढ़ लिया ना मेरे से। यस सर, बस वही बता देना, आपसे जो भी पूछेंगे आप बता देना, मैंने पूरी कवर किया पेट्रोलियम इंडस्ट्री सिटी के अंदर। ओके सर, ठीक है, तो आप बता देना अपने इंट्रोडक्शन में कि मैंने इंडियन ऑयल में इंटर्नशिप की थी जिसमें रिफाइनरी का ओवरव्यू दिया है, तो अगर आपसे पूछे कि क्या ओवरव्यू लिया है तो सब चिपका देना जो जो मैंने पढ़ाया, क्या दिक्कत है। ओके सर, टेंशन नहीं है। थैंक यू सर। यस ओमकार बोलो। सर मैं 21 में पास आउट हुआ था सर, तब तो उस साल गेट ने क्वालिफाई किया था, फिर उसके बाद किया था पर रैंक इतना नहीं था, फिर दूसरे साल फिर से किया, फिर भी इतना नहीं हुआ, तो बाद में मैंने IIT गुवाहाटी ज्वाइन किया था, फिर सर वहाँ पे भी अच्छा नहीं लगा, फिर गेट के लिए प्रिपेयर करने फिर से छोड़ दिया वो बाद में, फिर इस साल रैंक आया, तो वो ये 3 साल का होता है सर गैप। अगर मैं RCF आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बतानी है जो आपने मुझे बताया, बिल्कुल एग्जैक्ट बताना है, थोड़ा सा और इमोशनल करके। सर मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत एफर्ट किए, बट सर एंड टाइम पे सर समथिंग हैपेंड, आई कुडंट परफॉर्म इन द एग्ज़ाम, आई फेल्ट वेरी गिल्टी, बट फिर मैंने खुद को उठाया कि सर हार नहीं मान सकते, नेवर गिव अप, मैंने सर गिव अप नहीं किया कभी, आई प्रिपेयर्ड अगेन, आई फाइटेड अगेन, आई स्ट्रगल्ड अगेन, इस तरह से आपको बताने 3-4 लाइनें चिपका गए, दे विल गेट वेरी इंस्पायर्ड।
आपकी स्टोरी से उन्हें इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए, एक फेलियर या लूजर की इमेज नहीं बनानी है वजह के, एक ऐसे बंदे की इमेज बनानी है वजह के जिसने गिव अप नहीं किया, लगे रहे लगे रहे लगे रहे, एंड में आप वहां तक पहुंच गए। दैट्स इस साल इंडियन ऑयल के इंटरव्यू के बाद आपकी जॉब लग जाती है तो जितना भी स्ट्रगल था वो वर्थ इट हो जाएगा ना, बिकॉज यू विल बिकम ए सक्सेस स्टोरी। तुम्हारी स्टोरी से तो आगे बच्चे मोटिवेट होंगे, हाँ भाई ये लगा रहा यार, फाइटर था बंदा, तो वही चीज़ तुम इंटरव्यू में बताने की, तुम फाइटर हो, लूजर नहीं हो। तो इसी तरह से बतानी है थोड़ी बहुत चीज़ें और चिपका के कि यू फाइटेड, यू नेवर गेव अप, ओके, इस तरह से बतानी है, बहुत अच्छा इंटरव्यू जाएगा डेफिनेटली। और सर सर और एक सर आरसीएफ का छिपा नहीं सकते है इसमें ये बात फॉलो भाई, तो सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर उस टाइम पे वहां से रिजाइन डाल देना, यहां पे ज्वाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। आरसीएफ का मैं इसलिए बता रहा था बोलने के लिए कि वो आपके लाइफ की एक गलती नहीं है, आपके लाइफ पे एक अचीवमेंट है, और जब भी हम इंटरव्यू के अंदर जाते हैं तो हमने अचीवमेंट्स तो बताते ही है, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम वो बताओगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा तो फिर मत बताना। नहीं सर, यहाँ पे अभी ज्वाइन किया है तो वो इशू हो जाएगा वो एनओसी का। ठीक है, डिपार्टमेंट में हेलो यस श्याम। हाँ सर, मैं 20 गुड इवनिंग सर। लीडरशिप अच्छी नहीं थी, मैनेज अच्छे से नहीं किया जाता था, रिवॉर्ड अच्छे से नहीं किया जाता था, एंड दैट्स व्हाई यू थॉट कि यार इस एनवायरनमेंट में रहने से अच्छा है एमटेक में जाके दोबारा गेट की प्रिपरेशन करो और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए प्रिपेयर करो। मतलब प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने से तुम्हें ये पता लगा कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं करनी है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अच्छा पे पैकेज है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ग्रोथ है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर डाइवर्सिफिकेशन है, जो भी इंडियन ऑयल की खास बात है वो तुम बोल दो। तो प्राइवेट सेक्टर ने तुम्हें मोटिवेट किया कि मुझे यहाँ नहीं रहना है और मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, और फिर तुमने सोचा कि खाली बैठने से अच्छा है साथ साथ एमटेक कर लेते हो ताकि गैप ईयर ना आए। एमटेक तुमने सिर्फ इसलिए की कि गैप ईयर ना आए, अल्टीमेटली तुम्हारा एम तो पीएसयू में जाना ही था, तो एमटेक में जाने के बाद भी तुम मेनली तो पीएसयू की तैयारी कर रहे थे और फाइनली तुम अपने गोल के पास अब पहुंच गए हो, बस ये बातें उन्हें बतानी है। ठीक है, दिक्कत तब आती जब मान लो तुम ओएनजीसी को छोड़ के फिर एमटेक करके फिर इंडियन ऑयल में जाते, उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है, प्राइवेट को छोड़ के गवर्नमेंट में जाना है तो काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, सर एक बात पूछनी थी, जो ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट है ना, मेरा एनपीसीएल के फॉर्मेट में बना हुआ है, तो आईओसीएल का अभी बायोडाटा फॉर्म लॉक किए तो अभी एक नया फॉर्मेट आ गया, तो ऐसा नहीं कि इसमें भी बनाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है, आप जो भी आपका फॉर्मेट है आप उसमें सबमिट करोगे, दैट इज एक्सेप्टेड, क्योंकि एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होता है गवर्नमेंट का, उसी में वो सर्टिफिकेट मिलता है। अब हर पीएसओ के हिसाब से सर्टिफिकेट बनवाने लगे फिर तो गवर्नमेंट ऑफिशियल बिजी हो जाएंगे, वो काम कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो जिस भी फॉर्मेट के अंदर है दैट विल बी एक्सेप्टेड, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, डोंट वरी। थैंक यू सर। ठीक है गाइस, फिर आप करो अच्छे से प्रिपेयर। आई होप कि आज के सेशन के बाद आप सबके जो क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो गए होंगे, एंड जो भी आपका आगे रहेगा इंटरव्यू की डेट, मैं बस ये बोलूँगा कि जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन तक डेली बेसिस पे आप 4 घंटे इन्वेस्ट करो। ठीक है, कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है मैं एक मैसेज बना के आज ग्रुप पे डाल दूंगा, और उस मैसेज को फॉलो करो, उस गाइडलाइंस को फॉलो करो और डेली बेसिस पे अपना एफर्ट डालो, एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है, हर रोज़ पढ़ना है।
ये सोच के नहीं पढ़ना कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो इंटरव्यू में पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, ये सोच के नहीं पढ़ना। आपको बस पढ़ना है, प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि जितनी आप प्रिपरेशन करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा इंटरव्यू में बैठकर, ठीक है। तो जैसे जैसे आपको पूरा 4 घंटे मैनेज करने में, बता दूंगा ग्रुप पे अभी, आप बस उसे अच्छे से फॉलो करना, और जो भी आपके डाउट्स होंगे आप डेफिनेटली ग्रुप पे पूछते रहना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि 1 वीक के बाद या 10 दिन के बाद एक फिर से सिमिलर गूगल मीट में रखूँ, और जो भी आपकी क्वेरीज हो तो वो क्वेरीज मैं लूँ, ठीक है। एंड आई विल ऑल्सो ट्राई कि आपका अगर मॉक इंटरव्यू में ले पाऊँ, सबका तो पॉसिबल नहीं है, पर अगर 4-5 बच्चों का भी ले पाऊँ तो डेफिनेटली आपकी इंटरव्यू डेट से पहले मैं मॉक इंटरव्यू लेने की पूरी कोशिश करूँगा डेफिनेटली, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, बाय, जय हिंद, ठीक है, मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।